प्रोडक्ट आज बहुत अलग अलग मीटिंग्स और सेमिनार कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी जिन्होंने आज ही मेडिटेशन सेशन कंडक्ट किया वो भी उन्हीं में से एक हैं। इसके अलावा बड़े सपने क्या होते हैं कोई संजय जी से सीखे। मुझे याद भी याद है ओखला ऑफिस में जब संजय जी आपकी ऑडी की बात चल रही थी उस समय इतना बड़ा पे आउट उस समय नहीं था। मैंने संजय जी से पूछा सर ऐसा डिसीजन, तो आपने एक ही बात बोली थी सर टीम के लिए करना है, टीम को बड़े सपने करवाने और एक दिन ऐसा आएगा कि टीम के अंदर लाइन लगेगी और संजय जी आज वो सपना पूरा हो गया है। नेटवर्क के अंदर कितनी सारी लग्जरी कार्स हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई हेलीकॉप्टर भी ले सकता है, ये बड़ा सोचने की हिम्मत संजय यादव जी ने खुद की और पूरे नेटवर्क को सोचना सिखाया। तो बड़ा विजन क्या होता है, एक लीडर की पहचान यही होती है। दूसरा, कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर के अनकंफर्टेबल कैसे रहना है। दोस्तों जब इनकम नहीं होती तो कोई भी अनकंफर्टेबल रह सकता है, लेकिन आज संजय जी 17 लाख प्लस की इनकम लेते हैं उसके बावजूद वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। सुबह 4:30 बजे का मेडिटेशन सेशन उन्होंने किया। इसके अलावा कितने बजे सो के उठे होंगे और मुझे अच्छे से पता है रात को 11-12 बजे से पहले भी नहीं सोते और हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं। तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर के अनकंफर्टेबल कैसे रहा जा सकता है और टीम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है ये संजय जी से सीखे। हालांकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम संजय जी की लाइफ में थोड़ा सा जाना चाहेंगे। सर आप माइक में आपको हैंड ओवर करता हूँ, आपकी लाइफ के वो अनछुए पल जो किसी को नहीं पता वो आज आप शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। सो ओवर टू यू संजय जी, और मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों से संजय जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। शुक्रिया गुरुदेव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने मुझे याद किया और आज इस प्लेटफॉर्म पे आपने मेरे को बुलाया। सो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे याद किया, और अच्छी तरह से याद है मेरे को। कहते हैं आपसे बड़ा लव है, बड़ा प्यार है, बस एक ही बात रहती है कि वो दिन शुरुआत के दिन आज भी याद है, पुरानी कंपनी के दिन भी याद है। सो सर दिल से शुक्रिया आपका, और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना साथ देने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने जो मेरी लाइफ में जो मेरा साथ दिया है सर कोई दे नहीं सकता। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा राजीव जी के बारे में, अगर राजीव जी नहीं होते तो आज हम सब यहाँ नहीं होते, क्योंकि अगर राजीव जी डिसीजन नहीं लेते तो आज हम यहाँ पे वेस्टइंडीज के अंदर नहीं होते। राजीव जी ने शुरुआत करी, उसके बाद चार पार्टनर और आए, पांचों ने मिलकर शुरू किया, उसके बाद राज जी आए, उसके बाद मैं आपके बीच में आया और आज बहुत सारे लोग आपके टीम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो सर मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर राजीव जी हैं तो आज हम यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, सलूट करता हूँ, थैंक यू करता हूँ आपका, दिल से शुक्रिया। आज किसी वजह से अगर हूँ इस प्लेटफॉर्म पे सो आपकी वजह से हूँ, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी राजीव जी ने जैसे बताया कि आज बहुत सारी चीजें, मैं 1 घंटा आपके बीच में हूँ तो काफी लोग हैं। मैं कल एक हमारे सेंटर की ओपनिंग थी, मैं वहां पे था, तो मैं थोड़ा जल्दी में था। जल्दी का मतलब क्या है कि बड़ी कल लंबी ड्राइविंग करके आया, तकरीबन 650-700 किलोमीटर में यहाँ से दूर था मैं, हिमालय था तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। और उससे पहले भी मैं कभी 5 स्टार में एक वर्कशॉप करके गया था 11 तारीख को, यहाँ पे संडे को 136 लोगों की वर्कशॉप करके मैं निकला और डायरेक्ट मैं सीधा वहां चला गया था। पीछे 12 दिन के लिए भी मैं एक वर्कशॉप में गया था, मेरे कुछ पेड वर्कशॉप थी मैं उसको करके आया, और अभी मेरे साथ 4 लोग थे, हम 4 लोग चले गए मुनस्यारी हिमालय। वहां जाने के बाद बड़ी असीम शांति मिली, बड़ा कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें मिलती है लाइफ में। आप भी यहाँ पे आए हो तो आज क्यों आए हो, क्या है, 1 घंटा अपने बारे में मैं आपसे बात करूंगा, मेरा वीडियो बीच में मैं बंद करूंगा कुछ चीज दिखाने के लिए, बट थोड़ा सा एक चीज और जान ले, अगर मैं पिछले 7 दिनों में अगर मैं वहां पे था तो एक चीज तो क्लियर थी, पिछले 22 साल हो गए मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ते उठते बैठते बिछड़ते हुए देखा है। रास्ता है, चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत सारे करीबी लोगों को, बहुत सारे अनकरीब जो लोग थे वो लोग दूर आ गए, वो लोग नजदीक आ गए, ये सब चलेगा आपके साथ। लेकिन कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी, कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीजें जो आपके साथ परमानेंट चलेगी, उनको आपने सिस्टम के साथ देखते रहना है, चलते रहना है। बाकी तो चलता रहेगा, लाइफ है, लाइफ में आते जाते लोग रहते हैं, परवाह मत करो यार, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं भी ऐसा ही आपके बीच में हूं। और अभी मैंने तुरंत अभी जैसे मैं 7 दिन का अभी आया मैं वहां से 1 हफ्ते के बाद, अभी मैंने प्लानिंग करी है, मैं नेक्स्ट जनवरी के अंदर, और जनवरी में 11 लोग मेरे साथ जा रहे हैं और 1 महीने के लिए मैं वहां से निकल रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ मैं, और 1 महीने का वो टाइम मैंने अभी बुलाया है, वो पूरी प्लानिंग मैंने करी, उन 11 लोगों का नाम मैंने एडवांस में अभी रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और वो 11 लोग 1 महीने के लिए वो शांति वो चीज सीख के आएंगे। मेरे को नहीं पता आपने यहाँ पे कितनी नॉलेज है, कितनी डिग्री है, कितना पैसा है, कितना ध्यान और ज्ञान आप लगाते हैं, लेकिन मेरा वादा है जो 4 लोग गए थे वो अपने आप में आज बोल रहे सर वाकई में जिंदगी जी के आए, अगले 11 दिन अगले 11 लोग वो 1 महीने के अंदर
मैं प्लानिंग उनकी कर रहा हूँ, अभी रजिस्ट्रेशन करवाया तो कहेंगे जनवरी स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से वो प्रोग्राम, उस जनवरी के प्रोग्राम में मैं लोगों को लेके जाऊंगा। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी शायद मिश्रा जी या अभी वो नाम ले रहे थे राजीव जी की, वो सुबह अभी मेडिटेशन करा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था मिश्रा जी, बड़े अच्छे मिश्रा जी की मीठी आवाज में वो बताने लग रहे थे मिश्रा जी कि ऐसे ऐसे विजुलाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बार बार हमें इमेजिंग अपनी पिक्चर को बनाना चाहिए, सब कॉन्शियस माइंड में उसको बैठाना चाहिए। जो राजीव जी अभी बता रहे थे कि तकरीबन 8 महीने से इस प्रोग्राम को हम लगातार कर रहे हैं, मैंने जब शुरुआत करी 12 मार्च को मैं जयपुर से प्रोग्राम करके आया, 14 तारीख को मैंने ये जूम के ऊपर प्रोग्राम करना स्टार्ट किए थे, पता नहीं था कि आने वाले समय में जूम के ऊपर 100 लोगों का पैक लिया, फिर नेक्स्ट डे 500 लोगों का लिया, और आज करते करते आपके बीच में हूं। क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, क्योंकि अगर सुबह के टाइम में 3:30 बजे उठकर 2,000 लोगों का प्रोग्राम किया, फिर 1,000 लोग हुए, फिर दोबारा 2 प्रोग्राम करने पड़े, आज भी वो भी 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, कई बार आधे पौने घंटे की नींद भी ले पाते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट अपने आप से, चाहे कुछ हो जाए, किसी चीज को एक बार ठान लिया ना उसके फिर पीछे नहीं हटता। कुछ लोगों ने 6-7 महीनों में आराम से घर पर रह के आराम से इंजॉय किया है, करिए, बढ़िया लाइफ है कुछ लोगों ने, लेकिन मैं अपने आप से कमिटमेंट था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, बट जो बीड़ा उठा लिया उसको पीछे नहीं हटना, अब ये टारगेट बना लिया और अब करके दिखाना है। इसलिए उन लोगों के साथ लगातार बना हूं, आप भी यहाँ पे हैं, हर रोज आप लगातार बने रहते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूं। अभी 4:30 बजे का प्रोग्राम खत्म हुआ है, उसके बाद में राजीव सर ने प्रोग्राम बोल रखा था सेमिनार बीच में, मैं क्षमा चाहूंगा राजीव सर, मैं 3-4 दिन के लिए जिस दिन आपने फोन किया था मैंने वापसी, मैं नीचे ऊपर था और मैं वापिस आया, वहां से रानीखेत से नीचे आया मैं 4 किलोमीटर, तब मैंने आपको बोला कि सर आज नहीं कर पाऊंगा, तो शायद पोस्टर भी डला होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं था वहां पे, इसलिए मैं उस दिन सेमिनार मीटिंग आपके साथ नहीं कर पाया, सो आज दिल से सॉरी, मैं आज आपके बीच में हूं। तो एक बात कहना चाहूंगा, लाइफ में जो भी चाहिए सुबह का टाइम मिस मत करो यार, इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस अमृत बेला में, इस वरदानी दिवस में, इस वरदानी टाइम में जो आपको चाहिए वो मिलेगा। मैंने अभी एक टेक्निक बताई 4:30 बजे अपनी टीम जो आती है, बहुत सारे लोग, आपको भी आज वो बताऊंगा, आपने वो भी करना है। चलिए थोड़ा अपने बारे में बता दूं, उसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबका मेरा दिल से हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया जो आप आज सुनने के लिए आए और आज मेरे को सुन रहे हैं। 40 से 50 मिनट आपके बीच में रहूंगा, और आप तमाम सभी लोगों का, जितने भी लोग आज बने हुए हैं, आपका दिल से शुक्रिया मेरे को सुनने के लिए। मेरा नाम संजय यादव है, जैसे राजीव सर ने बताया मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन आज से 22 साल पहले मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला, मेरे पिताजी सरकारी जॉब में हैं, चाचा जी भी जॉब में हैं, ताऊ जी भी जॉब में हैं, मेरे पिताजी 7 भाई हैं, सभी सरकारी जॉब में हैं और रेलवे डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस, हरियाणा पुलिस में और दिल्ली पुलिस में, सारी फैमिली में मेरे जॉब में। मेरा छोटा भाई है वो वकील है, एडवोकेट है। मैंने जब स्कूली पढ़ाई करी, जब मैं 10वीं क्लास में था, तो पढ़ाई करते करते खेती बाड़ी भी करी है, बहुत सारे लोग जानते भी है मेरे बारे में, नजदीक में है, सब लोगों को पता भी है कि हर आदमी चाहता है यार नौकरी करे। मेरे परिवार में भी चाह रहे थे कि संजय चाहे 10वीं पास कर लो, 12वीं पास कर लो, लेकिन नौकरी कर लो यार, सारी फैमिली में नौकरी वाले हैं तो नौकरी करनी चाहिए, चाहे कैसी भी नौकरी मिले पर गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए। दोस्त नौकरी का तो मन था नहीं शुरुआत से ही, और खेती बाड़ी कर ही रहा था साथ साथ में। आपने देखा होगा पुराने जमाने के अंदर ITI भी होती थी, सरकारी प्राइवेट, तो बड़ा मन था जी ITI कर लो, बहुत अलग अलग ट्रेड मिलते थे, फीटर का मिलता था, वायरमैन का मिलता था, साथ में मैकेनिक का अलग मिलता था। तो मैंने भी एक काम ही किया, मैंने कहा यार चलो यार एक काम करते हैं, अपन भी ITI कर लेते हैं, ठीक है, कैसे भी पढ़ाई करो, +2 पास करो, उसके बाद ITI कर लो, ITI करने के बाद क्या नॉलेज तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, फैक्ट्री में मिल जाएगी, कंपनी में मिल जाएगी, कहीं और मिल जाएगा अगर जॉब करनी है, लेकिन जॉब तो करने नहीं थी। चलो जी वो की काम कर लिया, उसके बाद में किसी ने मेरे को बताया कि +2 पास करने के बाद आपको इंश्योरेंस की एजेंसी मिल जाएगी, इंश्योरेंस का काम कर लीजिए। अब मैं गांव में पला बड़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, दिल्ली में भारत नगर में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, 485 रुपए मेरे फादर की पहली सैलरी थी जब भारत नगर दिल्ली में रहते थे, गवर्नमेंट जॉब थी। आज से कितने साल पहले, 1977 की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1977 की बात है, और जब मेरा जन्म हुआ तो तकरीबन 500 रुपए की सैलरी, परिवार बड़ा, बहुत सारी लायबिलिटी, बहुत सारी दिक्कत परेशानी, घर परिवार में सबके साथ होता है, ऐसा ही मेरे साथ है। 3 साल बाद गांव भेज दिया, गांव में पला बड़ा, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करी, और लालटेन की रोशनी से पढ़ते पढ़ते सरकारी स्कूल का वो पढ़ाई, वो सारे उतार चढ़ाव सब देखे जी, आपके साथ भी हुए होंगे, मेरे साथ भी हुए हैं। मिडिल क्लास फैमिली में कितने चैलेंज आते हैं वो आपने देखे ही होंगे। तो आप ये देखिए कि 5वीं क्लास पास, उसके बाद में मैं पटौदी होम टाउन, मेरे फादर ने यहीं प्लाट ले लिया, और तकरीबन हमारे को यहाँ रहते हुए आज 40 साल के आसपास हो गया, और 40 सालों में आज फादर यहाँ रहते हैं, मेरे चाचा जी ताऊ जी सभी लोग यहाँ पे हैं,
पटौदी रहते हैं, सैफ अली खान का और मेरा घर में तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, जहाँ आपने सुना होगा मंसूर अली खान, शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान का नाम खूब सुना होगा, बाकी कुछ लोग नजदीक से वो तो जानते भी हैं। तो यही रह गए, 40 साल से यहीं पे रह रहा हूँ और इस बिजनेस को पिछले 22 सालों से कर रहा हूँ। सर उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं, आपके साथ भी आए, मेरे साथ भी आए। इंश्योरेंस की एजेंसी ली, चंडीगढ़ टेस्ट पास हुआ, पास करने के बाद पहले महीने मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करना शुरू किया। उसके बाद मैं काम करते करते इस वेस्टीज के अंदर कैसे आया और डायरेक्ट सेलिंग में कैसा है वो आपको बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैंने कहा इंश्योरेंस में था, कोई मेरा एक मित्र आया, उसने कहा संजय जी आप डायरेक्ट सेलिंग तो सॉरी इंश्योरेंस तो कर ही रहे हो, तो एक काम कीजिए दिल्ली एक मीटिंग एक प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए। मैं 98 में एक प्रोग्राम अटेंड करने चला गया दिल्ली। जब वो प्रोग्राम अटेंड करने गया तो उस प्रोग्राम में बहुत भारी भीड़ थी, गर्मी का महीना था, मेरी तरह कोट वोट पहन रखा था जी बहुत सारे लोगों ने वहां पे, मैं सोच रहा था बड़े पागल लोग यार गर्मी के महीने में कोट पहन के बैठे हैं और स्टेज के ऊपर जा रहे हैं। चलिए जी बहुत सारे इंग्लिश और हिंदी में बात होने लग रही थी, समझ में कम आई, एक बात समझ में आई भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। कोई व्यक्ति स्टेज पे आगे बोलता है मैं दूध का काम करता था, 4 महीने पहले मैंने इसको सिस्टम को ज्वाइनिंग किया है, मेरे पास 3800 रुपए का चेक आया। कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे पास 40,000 का चेक आया है। एक हाउसवाइफ आती है वो कहती है मैं पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को कर रही हूँ, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी। कोई व्यक्ति डॉक्टर आता है स्टेज के ऊपर, एक इंजीनियर आता है स्टेज के ऊपर, वो बोलता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, इंडिया में अभी शुरुआत हुई है, मैं यहाँ पे आया हूँ। बड़ी बड़ी बातें करने लग रहे थे और जैसे अभी बता रहे थे शायद मिश्रा जी या कोई की बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट प्लेन या जेट या ले लिए, बहुत सारे लोगों के चोपर हैं आयरलैंड इस इंडस्ट्री से, वो सब बातें होने लग रही थी। जब ये सारी बात आज से 22-23 साल पहले हो रही थी तो विश्वास नहीं था यार ऐसी चीज भी होती होगी। सो चलिए जी मीटिंग अटेंड हुई, मीटिंग अटेंड करने के बाद मीटिंग बढ़िया लगी, अच्छी लगी। एक बात समझ में आई कि जाने को कुछ नहीं है, आने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। मैंने जो दोस्त मेरे को लेके गया था उसने कहा संजय जी इसको ज्वाइनिंग करने के लिए आपको 6,200 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार 6,200 रुपए तो नहीं है, तो मैं इंश्योरेंस कर रहा था 6,200 रुपए, मैंने कहा नहीं होगा भाई मेरे से तो, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, बढ़िया है, डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, ये सिस्टम बढ़िया लगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जब आपके पास पैसे हो तब ज्वाइनिंग कर लेना। दोस्त 1 साल तक मैंने उसको मैं मिला भी नहीं, उसके बाद इतना टाइम भी नहीं मिला और मैं अपने काम में बिजी हो गया। 1 साल के बाद एक फिर व्यक्ति एक आया, तकरीबन ये बात है 99 की लास्ट की बात है, उसने एक कंपनी के बारे में और बताया, उसने कहा एक डायरेक्ट सेलिंग है, वो भी कोई विदेशी कंपनी थी। मैंने फिर उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं। उसने कहा इसमें भी तकरीबन आपको 3400-3500 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से लेके आऊंगा। उसके बाद सन 2000 के अंदर मैं वही काम कर रहा था, करते करते कंपनी आई, उस कंपनी का मैंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मैंने उसमें देखा उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ बेसिक प्रोडक्ट था जो हर आदमी की जरूरत का प्रोडक्ट था। जिस कंपनी का प्लान मैंने पहले देखा था वो विदेशी कंपनी थी, उसके बाद मैंने उसका प्लान देखा उस कंपनी का, तो उस प्लान में देखा कि उस प्लान में वो प्रोडक्ट है जो आपको डेली रूटीन में यूज होना चाहिए। जैसे आप कपड़ा था उस कंपनी का एक प्रोडक्ट था, वो कपड़ा आता था उसमें, उन्होंने 1,060 रुपए मांगे, मैंने 1,060 रुपए मेरी पॉकेट में शायद 700-800 रुपए थे, मैंने उनको कहा कि यार 200 रुपए बाद में दे दूंगा उधार कर लीजिए। उस व्यक्ति ने मेरी उधार कर लिया, 200 रुपए आज भी खर दिए नहीं मैंने वो भी, लेकिन 1,060 रुपए का प्रोडक्ट मैंने लिया, फार्म भर दिया। फार्म भरने के बाद वो कपड़ा वो किट मेरे को मिली और मैं घर पे लेके आया तो उसमें 3 पैंट और 3 शर्ट उस कपड़े में से उस किट में से निकली और मैंने उस बिजनेस को पहली बार करना स्टार्ट किया। और उस व्यक्ति ने बताया संजय जी इस किट को आप अगर 3-4-5 लोगों को इसी महीने में दे देते हो तो आपके पास भी, वो 27 तारीख की बात है और 4-5 दिन मेरे पास थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरी, मैंने हर बार बोलता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेट इन माई लाइफ 27, 27 तारीख मेरी जिंदगी की अहम डेट है। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने 27 तारीख को कदम रखा और 27 के बाद 5 या 4 दिन बचे हुए थे, 31 दिसंबर की बात थी, तो उस समय मैंने उसको ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने 4-5 लोगों को प्लान बताया कि ऐसे ऐसे कपड़ा है, ऐसे कंपनी है, ऐसे आपको पैसा मिलेगा, ये हर आदमी की जरूरत का सामान है, सबको लेना ही लेना होता है, सब थोड़ा सा इकट्ठे लेने पड़ रहे हैं। लोगों ने मना कर दिया, सही से प्लान नहीं दिखा पाया, हेजिटेशन थी, झिझक थी, समझ में नहीं आया था, तो रिजेक्शन मिला, लोगों ने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो मैं भी हताश हो गया, डिमोटिवेट हो गया और मैंने उस व्यक्ति को बोला कि इसमें कोई नहीं जुड़ेगा। और दोस्त उस दिन जब उसने कहा नहीं नहीं जुड़ेंगे, लोग आपके साथ आएंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो मैंने उसके साथ 2-4 दिन मैंने उसके साथ लगाए, मैं उसके साथ चलता चला गया। जब वो मीटिंग करता तो मैं उसकी बात को सुनता समझता, कैसे मीटिंग करने लग रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और ये करते 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 दोस्त मेरा पहले महीने का चेक बना। अगले महीने जब मेरे पास आया तो उसमें स्टेटमेंट बनी, क्योंकि मैंने परचेज किया था कपड़ा तो मेरे पास ही आना था और कोई लोग मेरे साथ जुड़े नहीं, तो पहले महीने 106 रुपए का चेक बना मेरे पास, 106 का चेक बना। अब जितने भी लोग बैठे हैं आप कहोगे 1,000 रुपए लगाने के बाद 106 रुपए का चेक बनता है, ऐसा क्या है?
क्योंकि स्टेटमेंट बननी थी, मेरे पास स्टेटमेंट आई, 106 रुपए का चेक बना, तो मेरे को एक बात की खुशी हुई कि चलो कहीं से तो 100-150 रुपए आए, 100 रुपए 106 रुपए तो आए, आज तक तो कपड़े पहनने से आए नहीं, आज तक तो चाय पीने से आए नहीं, तो आज तो आए पहली बार। चलिए जी 106 रुपए आए। मेरे अप्लाई ने मेरे को बोला संजय जी स्टेज पे जाओ। एक मीटिंग हुई 40 लोगों की स्कूल के अंदर, और उस मीटिंग में मैं गया तो मेरे अप्लाई ने बोला, जो मेरा सीनियर था, उसने कहा आप स्टेज पे जाके बताओ कि मेरे पास 106 रुपए आए। तो मैंने उसको कहा मैं सर स्टेज पे जाके क्या बताऊं, 106 रुपए भी नहीं आए, वो चेक जो आप बता रहे हो तो है ही नहीं, वो भी स्टेटमेंट है। उसने कहा कोई बात नहीं, आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपके जैसे 500 रुपए होंगे अकाउंट में आ जाएंगे। उसने जबरदस्ती मेरे को स्टेज पे भेज दिया और वहां जाकर बोला नाम बताओ। गर्मी का महीना था जी, जून का महीना, अच्छी तरह याद है, 17 जून की बात है। तो स्टेज पे गया, स्टेज पे जाने के बाद उसने कहा नाम बताओ और चेक बताओ। कोई व्यक्ति होस्टिंग कर रहा था वहां पे, तो उसने कहा नाम और चेक बताओ। दोस्त मैं इतना घबरा गया था, वो पहला मैं बता रहा हूँ, 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं आज कोई लोग पहली बार आया होगा इस मीटिंग में बैठे होंगे तो इस बात को समझना, सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आज अगर हजारों लोग मेरे को सुन रहे हैं, आज अगर लाखों लोग आज फॉलोवर है, लाखों लोग आज फॉलो करते हैं, लाखों लोग आज ऑडियो वीडियो देखते हैं, तो 22 साल पहले ऐसा मैं नहीं था। 106 रुपए का चेक बना था मेरा, और स्टेज पे जाने के बाद उसने कहा नाम बताओ, तो मैंने बताया नाम और चेक बताना, तो मैंने कहा मेरा नाम है 106 रुपए और चेक है संजय यादव। मैं उल्टा बता गया था, मेरे दोस्त इतना घबरा गया, इतना डर गया था मैं। सो चिंता मत करना, कोई पहली बार आया है ये मत सोचना कि आज कोई दिक्कत है, परेशानी है, यार मेरे को नहीं आता, लोग क्या कहेंगे, जूम पे बैठे हैं, कोई हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, कैसे भी बोलता है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, गांव का है, शहर का है, अनपढ़ है, कैसे भी लोग बैठे हो यार, चिंता मत करो। सामने कैसा भी व्यक्ति बैठा हो आपके बीच में, कितना भी पढ़ा लिखा बैठा हो, अरे आपने प्लान ही तो बताना है, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी तो देनी है, हमने अपने तरीके को समझाना है, पहले कौन सा तरीका था, आज तरीका कौन सा है, पहले कॉन्सेप्ट क्या था, आज कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कहां से खरीदारी करते थे, आज यहां से खरीदारी करते हैं। समझाने का तरीका है बस, सिर्फ वो करे ना करे उसकी मर्जी है, ऊपर वाले पे छोड़ दो। और मैंने भी ऐसा ही किया, इतना डर था, इतनी हेजिटेशन थी, लेकिन दोस्त उसके बाद मेरी अप्लाई ने मेरी पीठ थपथपाई, वाह ग्रेट कमाल है, बहुत अच्छे बोले। मैंने कहा खाक अच्छा बोला, नाम की जगह चेक बता दिया, चेक की जगह नाम बता दिया, आप कह रहे बड़ा अच्छे बोले। उसने कहा बिल्कुल अच्छे बोले हो आप कर सकते हो। जो इंसान स्टेज के ऊपर जाकर बोलना सीख गया, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको बोलना आ जाएगा। इस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति बोलना जान गया, समझ गया, माहौल में आ गया, उसके पास पैसे की नहीं, सक्सेस जो चाहिए सब कुछ उसको मिलेगा। और दोस्त उस दिन का दिन है, आज का दिन है। उसके बाद अपलाइन के साथ रहा एक हफ्ते तक, उसके साथ मैंने प्लान को देखा, कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों को इन्वाइट करते हैं, कैसे लोगों को पेपर प्लान के ऊपर पेन से पेन दिखा वो प्लान दिखाते हैं, कैसे लोगों को जब हैंडल करना है उसके ऑब्जेक्शन आते हैं, वो सवाल करता है, जवाब कैसे दे रहे हैं, ये सारी चीज मैंने एक हफ्ते अपलाइन के साथ में रहा, उसके साथ मैंने सीखी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में जाने लगा और काम करने लगा। और दोस्त करते करते मेरा पहले महीने का चेक जो मिलता है 106 रुपए था। एक साल तक बड़ी मेहनत करी इस बिजनेस के अंदर, एक साल तक इतनी मेहनत थी कि बस आप क्या कहो कि मैंने घर को घर नहीं देखा, इतना जुनून सवार हो गया था। रात को 2-2 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, क्योंकि मेरे को एक ही चीज दिखाई देती थी कि जब बड़ी मीटिंग होती उसमें बताया जाता था इसमें सब सपने पूरे होंगे। आज से 22 साल पहले अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए की बात करता था तो 1 करोड़ के बराबर था कि 1 लाख रुपए 6 फिगर की इनकम ये बिजनेस परमानेंट आपको दे सकता है, जिंदगी में सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं, जो चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। आपको पैसा चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, आपको जो भी कहते ना प्लेन चाहिए, आइलैंड चाहिए, सब मिलेगा। और ये जब सारी बातें होती थी तो मैं रात रात को कहता ना शेख चिल्ले वाले सपने बार बार आते रहते थे, लेकिन उसके लिए एक काम था कि काम करना तो पड़ेगा, एक्शन तो डालना पड़ेगा। दोस्त मेरे को अच्छी तरह याद है उन पुराने टाइम में, कई बार मेरे पास मेरा एक पुराना स्कूटर होता था 5,000 रुपए का, उस 5,000 के स्कूटर से मैंने जब चलता था मैं तो मेरे पास कई बार पेट्रोल का पैसा नहीं होता था, वो भी टाइम मेरा अच्छी तरह याद है। उन दिनों में मैंने याद किया, पुरानी कंपनी में राजीव सर हमारे साथ थे, राजीव जी के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेमिनार और मीटिंग हमने किए, राजीव जी जानते हैं। वहां थोड़ा मेरा लेवल अच्छा था, बड़ा था, एक अच्छा लेवल था। 3,27,000 रुपए का चेक उस कंपनी में मेरा था। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े सेमिनार हुए, हजारों लोगों के सेमिनार मैंने 2006, 2007 और 2008 में किए, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। रेवाड़ी के अंदर भी जहां मैं बता रहा हूँ आपके मेरे नजदीक में, वहां भी हमने तकरीबन 90,000 से ज्यादा लोगों के सेमिनार 2006-15 जुलाई को हमने एक प्रोग्राम किया, उस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान से लोग आए, तकरीबन 1 लाख लोगों का इवेंट हुआ था, इतना बड़ा इवेंट था। आप सोचकर देखिए, उस कंपनी के पास भी 700 से ज्यादा प्रोडक्ट थे,
उस कंपनी के पास भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग थे, जिस कंपनी में मैंने 11 साल शिद्दत के साथ लगाए, दिल से लगाए, रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं देखा मैंने। 5,000 के स्कूटर से शुरुआत मैंने की थी, लेकिन दोस्त कई बार पेट्रोल का पैसा नहीं होता था, कई बार प्लेटफॉर्म पे भूखा सोया, वो भी टाइम मेरे पास था, वो भी याद है, मेरा चित्र याद है, जेब कट गई, पैसा नहीं है, दो दो दिन की मीटिंग करना, उसके बाद भी क्या किया जाए, काम करना था, वो टाइम चित्र याद है कि कई दिन दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच दिन लगे भरे बुखार में, फीवर होता था, फिर भी लगातार मीटिंग करता रहता था। एक दिन तो डॉक्टर ने कह दिया कि 103 डिग्री बुखार है, फिर भी मीटिंग करने लग रहा है। दोस्त मेरी सुबह से शाम तक 10-10 11-11 मीटिंग होती थी। लोग कहते सक्सेस ऐसे मिल गई होगी, बहुत सारे लोगों को देखता हूं आराम से घर में बैठे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच उन लोगों का, जो भी लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग में है या आज इस मीटिंग में या मीटिंग से बाहर है। इस बात को समझिए, सक्सेस मेरे दोस्त ऐसे नहीं आती, इसके लिए मेहनत के लिए आपको काम करना पड़ता है, एक्शन तो डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर वाला भी देखता है। घर के जितने अंदर रहोगे लक्ष्मी उतनी बाहर रहेगी, जितने घर के बाहर रहोगे लक्ष्मी उतनी ही आपके घर के अंदर रहेगी, ये मेरा वादा है और मैंने ये देखा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, मैं आज तक स्मार्ट वर्क समझ ही नहीं पाया यार कि स्मार्ट वर्क होता क्या है जिंदगी में, मैं तो शुरुआत से आज तक भी हार्ड वर्क। अरे इंसान का काम है यार मेहनत करना, इंसान का गहना है। हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 103 डिग्री बुखार में वेन में इंजेक्शन लगवा लगवा कर 12-12, 13-13 मीटिंग करता था, भरी बारिश के अंदर बाइक पे जाकर 12-12, 13-13 मीटिंग करना लगातार, फिर सर्दी चढ़ जाना, रात को 10 बजे 11 बजे फिर घर पे आना, कितने चैलेंज आएंगे, कितने दिक्कत आई होगी। कई बार तो हाथों में ग्लव्स नहीं होते थे, दस्ताने नहीं होते थे, मेरे पास पैसा नहीं होता था, वो भी टाइम मैंने देखा है। 22 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज तो आपके पास हाईवे तैयार है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, मेरे होम टाउन से उस कंपनी का ऑफिस तकरीबन 500 किलोमीटर दूर था। कितने किलोमीटर? 500 किलोमीटर दूर, और दिन में दो दो बार भी चक्कर लगते थे। आप कहते तो कैसे यार, सुबह 4 बजे चलता था, वहां जाके 9-10 बजे पहुंच जाता था, काम करके वापसी आता था, और कई बार तो दोबारा फिर वापसी जाना पड़ता था। बहुत चैलेंज आए, बहुत दिक्कत आई, परेशानी आई, पर घबराए नहीं, काम करना था ना, पता था ना सपने पूरे हो सकते हैं। नौकरी में तो देख ही रहा था पिताजी को, चाचा जी को, ताऊ जी को और लोगों को कि नौकरी में तो नौकरी है, नौकरी में तो जो आप काम कर रहे हो बस उससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, काम चल रहा है, आपका हर महीने की 1 तारीख को पैसा आता है, 30 तारीख को नहीं, 25 तारीख को नहीं, 15 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है, सारी कमाई बिलों में चली जाती है, बिजली का बिल, पानी का बिल, किराने का बिल, मोबाइल का बिल, बच्चे की फीस का बिल, जाता नहीं जाता है, सारी कमाई बिलों में, टोटल सब पैसा बिलों में। तो जब पैसा बचता ही नहीं है तो उस समय था कि हाँ बिजनेस करना चाहिए, तभी बिजनेस को था कि कुछ भी हो जाए चैलेंज आएंगे। 3 साल अपना इन्हें बोला था कि कम से कम 3 साल रुके रहना, 3 साल इस बिजनेस को कर लिया, 3 साल के बाद देखना ये बिजनेस आपको, आप कहोगे सर वाकई में एक ऐसी लाइफ को जी रहा हूं आज, लग्जरी लाइफ को जी रहा हूं। एक शानदार घर आपके पास होगा, शानदार लग्जरी कार आपके पास होगी, बढ़िया लोग आपको जानेंगे, आपके जाने से पहले आपका नाम चला जाएगा, लोग कहेंगे सर वाकई में कोई इंसान आया है, आपको सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ेंगे, ये सब कुछ आपके साथ होगा। और दोस्त मैंने ऐसे ही करता चला गया, बड़े चैलेंज आए, दिक्कत आई, पीछे नहीं मुड़ा मैं, हटा नहीं। बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर मिले, इंजीनियर मिले, प्रोफेसर मिले, सर हम नहीं करेंगे, हमारी तो बड़ी बहुत बड़ी हैसियत है, हमारा कैलिबर खाए का आप देख रहे हो, ये स्टेटस कोई हमारा है, हमको ये काम करेंगे, साबुन तेल बेचने का बिजनेस, कपड़े बेचने का वो बिजनेस होता है क्या? सर ये चलते चले गए उस कंपनी में, 11 साल मैंने लगाए और 11 गाड़ियां मैंने खरीदी, 11 साल 11 गाड़ियां। सोचकर देखिए, बड़ा शौक था जी शुरुआत से गाड़ियां परचेज करने का, जब रोड पे चलती थी तो देखता था कि ये गाड़ी मेरे पास होगी, ये गाड़ी मेरे पास होगी, सब जानते मेरे एरिया में आसपास के सब लोग जानते हैं कि यार वाकई में ये इंसान जो सोचता वो करता है, ये ठान लिया वो करके दिखाएगा। कुछ लोग मेरे बात को सुनकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आज भी हो सकता है कुछ लोगों को डर लगे, अभी अनाउंसमेंट जो कर रहा हूं बताऊंगा, कुछ लोगों को ये लगता है यार वाकई में पागल है साला, दिमाग खराब है इस आदमी का, ये करता नहीं है, ये कहता नहीं है, कर देता है, इसलिए सबको पता है कि इसने क्या कर रखे हैं और ये भी पता है कि आगे क्या करने वाला है। सो इसलिए इस मीटिंग में जो लोग बैठे इस बात को समझना और देखना, और आज अपने भीतर अंतरात्मा से आज देख के जाना कि वाकई में इस इंडस्ट्री में जब आए हो तो इंडस्ट्री छोटी मोटी नहीं है, 1-2 लाख के लिए तो आना भी मत, कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं 1-2 लाख के लिए आ रहा हूं। पिछले 6 महीने से बहुत सारे लोगों ने कहा चेक बता दो, मैंने कहा चेक का ऐसा दिमाग का, अभी मैंने सारे चेक होल्ड कर रखे हैं कि चेक ले, चेक दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा लोगों को, और आप कहेंगे यार आज तक चेक नहीं बताया संजय जी, नहीं दिखाए, मैं बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग में कितना चेक आता क्या होता है। मैं तो लोगों को एक ऊपर से नीचे नाम संजय है, जन्म कुंडली पता है मैंने लोगों की, कौन कहां आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन एक एक चीज कहूंगा मेरे दोस्त, अगर कामयाब होना है सक्सेस होना तो आज ये बात ठान लो, और ठाना नाभि से जाता है, जो इंसान यहां से ठान लेता है वो कर गुजरता है। इस बिजनेस को करने के लिए 1-2 लाख के लिए आना मत,
150,000 कहीं से भी कमा लोगे आज के टाइम में। बहुत सारी चिंदी चोर कंपनी आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, परवाह मत करो। वो लीडर नहीं है, वो सेट वर्कर है, नेटवर्कर नहीं है। लोग जो आपके साथ रुकेंगे डटेंगे उनके साथ काम करना है। जब तक लोगों को सिलेक्ट नहीं करोगे, जब तक लोगों को रिजेक्ट नहीं करोगे, तो आप सिलेक्शन कैसे कर पाओगे? आपको तो ठानना पड़ेगा ना, आपको तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कौन आदमी मेरे साथ काम करेगा। कुछ लोग छोटी सोच के आएंगे, कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। अब भी मेरे पास मैसेज आने लग रहे हैं, सर मैं क्या करूं, यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, साथ में वो है। कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आएगा जब आपको सुनने के लिए हजारों लोग आएंगे, लेकिन रुके रहना, डटे रहना, संभल के रहना, सीखते रहना। बहुत सारे लोग बहकाने और बड़गड़ाने वाले आएंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस बिजनेस में आयो तो इस बिजनेस को करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। बस पहली बात, अपने आप पर विश्वास रखना है कि यार मैं कर सकता हूं, दुनिया कुछ भी करे या ना करे। आप में कितनी नॉलेज कम हो ज्यादा हो, नो मैटर, दिखाऊंगा आपको कि कम नॉलेज वाले भी, कम पढ़े लिखे भी आज कामयाब है। दूसरा, अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखना यार कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है यार। तीसरा, जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हो उस पर विश्वास रखना, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस पर विश्वास रखना, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट पर विश्वास रखना कि काम करता है, वो कंपनी लॉयल है, वो कंपनी रुकेगी, उसकी मैनेजमेंट नंबर वन है, मेरे अप्लाई नंबर वन है, मेरा प्रोडक्ट नंबर वन है, मैं नंबर वन हूं और मेरा ईश्वर नंबर वन है। आप जिसके भी साथ काम करें, तीन चीजों के, अपने आप के ऊपर अपने विश्वास करना, अपने ईश्वर के ऊपर, और तीसरा जिस सिस्टम के साथ आप हो उसके ऊपर विश्वास करना। मेरे दोस्त दुनिया में ये तीन चीजें, अगर आप इनके साथ काम करते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस ट्रेन में बैठे रहना, फिर देखते रहना, आप लगातार चलते रहेंगे। 11 साल काम किया, काम करने के बाद चैलेंज आए, दिक्कत आई, परेशानी आई, बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, 3 साल का समय बीता, 3 साल में 3 लाख रुपए का कर्जा हो गया, 3 लाख रुपए का कर्जा, 3 साल का टाइम। सोचिए, जब शुरुआत में मीटिंग करने जाता था, स्कूटर से जाता था, बाइक से जाता था, लोगों को टिकट लेता, मीटिंग में बैठाता, उसके बाद में मीटिंग देखने के बाद लोग मना कर देते थे, आज तो आपको जूम मीटिंग मिल रही है, फ्री मीटिंग मिल रही है, सेमिनार मिल रहा है, मेडिटेशन मिल रहा है, इवेंट मिल रहे हैं। उस जमाने में 30 रुपए की टिकट, 50 की टिकट, 100 रुपए की टिकट, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, दोस्त शाम को लोगों को खाना खिलाता था, फिर मना कर देते थे। ऐसे चलते चलते समय चला गया, 3 साल, 3 लाख रुपए का कर्जा। सोचिए, आदमी छोड़कर चला जाए, घर वालों ने मना कर दिया था, नहीं करना बिजनेस, ये भी कोई बिजनेस है, लेकिन दोस्त लगा रहा था, करते चला गया। 3 साल हुआ था, 20-25 हजार रुपए की इनकम चल रही थी, 2001 से लेकर 2000 से लेकर 2003 तक 20-25 हजार रुपए महीने की इनकम। बड़ा चैलेंज था, दिक्कत थी, मारुति मेंटेन करता था उस टाइम पे, मारुति 800, सोचकर देखो आप, आज से 20 साल पहले। अब उस सब जब मारुति 800 मेंटेन करता, लेकिन औकात इतनी थी, मेंटेन करता था, मेंटेन का मतलब बड़ी मुश्किल से पेट्रोल डलता था, बड़ी मुश्किल से गैस डलती थी, गैस से चलता था, सिलेंडर से चलाता था उसको, लेकिन बिजनेस में जुनून था ना, काम करना है। दोस्त करते करते उस कंपनी के अंदर 11 साल लगाए, एक दिन वो कंपनी बंद हो गई, कोई बात नहीं, बंद हो गई। बंद होने के बाद क्या करना था, शाम को 5:30 बजे खबर आई, जिस कंपनी में आपने अपना करियर लगाया 11 साल से, बहुत सारे लोगों को वाह वाह करते फिरते हो उस कंपनी में, उस समय मैं दिल्ली रहता था, कंपनी बंद हो गई, दिल्ली था मैं, उत्तम नगर, आराम से फ्लैट व्लैट सारा सब कुछ बढ़िया, क्योंकि मेरा बिजनेस बाहर का बहुत था, बड़ा बिजनेस चल रहा था, सब जगह था, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस था, कहते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सब जगह बिजनेस चल रहा था। बिजनेस बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, अब सोचने में मजबूर हो गया, फैमिली वहीं थी, बच्चे वहीं थे, पढ़ वहीं रहे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था बढ़िया, तो आपने देखा ही होगा, अब दिल्ली में हमारा ऑफिस होता था, राजीव जी को पता ही है, अब केसी छाबड़ा जी के साथ वहां उस कंपनी के अंदर हमारे एक सीनियर थे, उनका नाम आज क्यों ले रहा हूं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते ना हम सारे मिलकर जब बात करते थे तो उनको एक बात बड़ी प्यारी लगती थी, बड़ी समझ में आती थी, यार कभी भी हो कोई भी काम आप कर रहे हो, आपके साथ लाइफ में कोई ना कोई चीज जब आप करोगे ना तो आपको सीख मिलेगी, समझ मिलेगी। तो उस कंपनी के अंदर वो सीनियर थे, उनकी बड़ी अच्छी बात लगती थी कि आप इस बिजनेस को कर रहे हो, इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसमें ये मत सोचिएगा आपको कि हो सकता है आपको वहां लॉस दिखाई दे रहा हो, सर मेरा टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, आपका प्रॉफिट अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग को कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाले समय में पैसा कम भी मिलेगा, तब भी आप में सेल्फ डेवलपमेंट बहुत सारा होगा। उस कंपनी में बहुत सारी चीजें सीखी, 11 साल लगाए, सीखने के बाद कंपनी बंद हो गई, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सिस्टम में 6 महीने तक लगातार उस कंपनी के धरने देते रहे जी, दिल्ली में दिए, जयपुर में दिए, सब जगह दिए, कंपनी नहीं खुली,
उसके बाद एक दिन मिलने गए जी मालिक से, उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसा ही है, जब टाइम मिलेगा जब खुलेगी आपका दिल करे वो कर लीजिए। मेरा एक साथी था जी पार्टनर, उसके साथ उन्होंने कहा संजय जी एक काम करो यार, ट्रैक्टर की एजेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ पार्टनर कर लो। मैंने कहा ठीक है यार पार्टनरशिप कर लेते हैं, ट्रैक्टर की एजेंसी खोल ली, ट्रैक्टर की एजेंसी ओपन कर ली, काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान मिस्टर राज का फोन आ गया, एक बार मैं चाहूंगा मिस्टर राज मोहम्मद के लिए, क्योंकि मेरे अपलाइन है यार, दिल से कभी भी उनका मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। कहते राज जी को चमड़ी की जूती पहना दूं तब भी कम है, जिस इंसान ने इस बिजनेस में मेरा नाम लिखा और मेरे को बताया कभी भी उस इंसान को भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपलाइन को भूल जाते हैं। लाइफ में एक चीज नोट करना, लाइफ में अगर अपलाइन है तो आज यहाँ पे खड़े हैं। सो आज उस इंसान ने मेरे को बिजनेस दिया, पुरानी कंपनी में भले उनका लेवल छोटा था, मैंने बहुत सारी मीटिंग उनकी की उस कंपनी में, लेकिन मित्रता थी, जानकारी थी। उन्होंने कहा संजय जी ज्वाइनिंग करा दिया, उन्होंने ये भी कहा आप मेरे सीनियर थे अभी सीनियर बन जाओ। मैंने कहा नहीं सर आपने बिजनेस बताया कोई बात नहीं है, लाइन वहां से शुरू होती जहां से हम खड़े होते हैं। और दोस्त मैंने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे को राजीव सर मिले, गिरी जी मिले, धर्मेंद्र मान जी मिले, रिजवान जी मिले, रियान जी मिले, सारे लोगों ने पांचों लोगों के साथ मिलकर काम किया और आज आपके सामने मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। तो मैंने उस कंपनी को बंद करने के बाद छोड़ने के बाद वेस्टिज को मैंने ज्वाइनिंग किया। उतार चढ़ाव आए, दिक्कत आए, परेशानी आई, 11 साल जिस आदमी ने अपना करियर लगाया उसके बाद कंपनी चली जाए छूट जाए तो लोग क्या कहेंगे। उसके बाद में जब वेस्टिज को ज्वाइनिंग किया तो मेरी मम्मी को ज्वाइंट पेन था, जोड़ों में दर्द था और मैंने उस सप्लीमेंट्स के लिए काम किया था कि चलो मम्मी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने ग्लूकोजामाइन, नोनी, स्पाइलुना, फ्लैक्स ऑयल ये मेरे को प्रोडक्ट दी। 2860 रुपए का प्रोडक्ट था, टैगोर गार्डन ऑफिस हुआ करता था, मेट्रो स्टेशन पिल्लर नंबर 461 के नीचे बैठकर मैंने वेस्टिज का साइन किया। 1:36 का टाइम था, टाइम भी अच्छी तरह याद है, दिन भी अच्छी तरह याद है। तो उस समय मैंने टाइम भी उसको याद किया, फॉर्म पे साइन किया, ऑफिस चला गया, क्रेडिट कार्ड मेरी जेब में था और मैंने क्रेडिट कार्ड से अपनी मैंने ज्वाइनिंग डाली। 2860 रुपए का प्रोडक्ट था, एक शायद एलोवेरा मेरे को फ्री मिला। एलोवेरा फ्री मिलने के बाद घर पे आया, मम्मी को दिया, प्रोडक्ट दिया, छोटा भाई वकील है, उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये बकवास की चीजें, बेकार की चीजें हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, अगर ज्वाइंट पेन ऐसे ही ठीक होने लगे तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएं। मैंने कहा यार विश्वास कर लो, मेरे एक मित्र ने दिया है, उसने कहा तेरे सारे मित्र को जानता हूं, सब ऐसे डम्मी लोग हैं, ठीक है उनको कुछ काम नहीं है, सब बकवास है, वो कभी कुछ कंपनियों में कभी कपड़ा बेचते हैं, कभी साबुन बेचते हैं, कभी तेल बेचते हैं, कभी कोई पिंचर सील बेचते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, ठीक है वो ऐसे लोग हैं सारे के सारे। तो मैंने कहा पता नहीं मेरे दोस्तों की छवि कैसे बनी हुई है, क्योंकि ऐसी थी जी। और आपको भी क्या हुआ, कभी तुम कुछ बेचते हो, अभी तुम ट्रैक्टर बेचने लगे, कभी साबुन बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो, तो हमारी भी छवि ऐसी बन गई जी। अभी भाई ने विश्वास नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मैंने मम्मी को दिया प्रोडक्ट, मैंने कहा आप लीजिए यूज कीजिए। 2 महीने प्रोडक्ट दिया था, विश्वास करना, मम्मी ने कहा 90% आराम है, वो दवाई दोबारा लेके आओ। वेस्टिज के सप्लीमेंट्स के ऊपर विश्वास हुआ कि आज के टाइम में हर घर में प्रॉब्लम है और सब घर में प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने और भी प्रोडक्ट मेरे को बताया, संजय जी एक बार दिल्ली आ जाओ। मैं शॉप पे था, बैठा हुआ था एजेंसी पे, उसने मेरे को बुलाया दिल्ली, दिल्ली बुलाया, एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में गई, राजीव जी सारे लोग वहां पे थे, मीटिंग अटेंड करी, सिद्धार्थ सर से मिले, CNT हुई। हम CNT अटेंड करने के बाद पहले कि कैसे कैसे मीटिंग होती है, क्या करना पड़ता है, कैसे टेस्ट होने लगा, सिद्धार्थ जी का चेक उस जमाने में 17-19 लाख का चेक था, सब कुछ देखा, एक चीज के लिए रूही बाली सर से मिले, दीपक सर से मिले, करवर सर से मिले। एक बार चाहूंगा वेस्टिज मैनेजमेंट के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए और मेरे तमाम सभी अप्लायंस के लिए जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। अदरवाइज यार मेरी क्या होता, जो मैं आपके बीच में हूँ तो उन्हीं की वजह से तो हूँ, माँ बाप नहीं होते तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। तो उन्होंने आज बिजनेस लिया, बिजनेस किया, समझा, तभी तो नाम लिखा, तभी तो आज यहाँ हूँ। सो बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, उस कंपनी का कोई पता नहीं था खुलेगी नहीं खुलेगी। यहाँ भी पहले महीने का चेक 85 रुपए का बना, तो यहाँ भी जब पहले स्टेटमेंट आई तो घर वालों ने फिर कहा मेरी मैडम ने कि आज से 12 साल पहले आपकी कंपनी का जो चेक आया था 11 साल पहले वो 106 रुपए का था और आज दूसरी कंपनी आपने शुरू करी है इसका पहला चेक 85 रुपए का। मैंने चूमा था, मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग से ये दूसरी कंपनी है मेरी, लेकिन मैंने उस कंपनी को छोड़ा नहीं था, लेकिन पहली कंपनी है, 85 का चेक है, लेकिन कमाल करेगा। और दोस्त उस दिन कितने माथे से लगाया था, थैंक यू बोला था ऊपर वाले को, काम करना शुरू किया, पहले महीने का चेक 85 रुपए, 2 महीने काम नहीं हुआ था क्योंकि रिजल्ट लेने के लिए कि मम्मी ठीक हो गई तो मैं इसमें धूम मचा दूंगा। और दूसरे महीने का चेक बना था, जब दूसरा चेक बना था वो 12,517 रुपए, उसके बाद में चेक बना 16,000, उसके बाद चेक बना 45,000 और 11 महीने का चेक था मेरा 98,168 रुपए का। 11 महीने में 1,00,000 रुपए इनकम के ऊपर पहुंच गया था। दोस्त बहुत सारे उतार चढ़ाव यहाँ भी आए, बहुत सारे लोग मेरे साथ आए, शुरुआत में जब काम कर रहा था लोग आए, लोग चलते चले गए। इस दौरान कुछ पुरानी कंपनी के लोगों को प्लान खुद जानबूझकर भी आने लगे, संजय जी आप क्या कर रहे हो, तो कुछ लोगों को प्लान दिखाया, कुछ लोगों ने मेरे साथ चल दिए, कुछ लोग साथ नहीं हुए, परवाह नहीं करी यार,
कि जो लोग पुरानी कंपनी में साथ थे वो लोगों को आना जरूरी नहीं भाई, नए लोग मिलते चले गए। वेस्टिज का प्लान ऐसा था, मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा था, 6 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना था, उनके साथ प्लान करना था, उनके साथ लिस्ट बनानी थी, उनके साथ मीटिंग करनी थी, और करते करते पहुंच गया जी। अब 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया तो कई बार आदमी में घमंड आ जाता है थोड़ा सा, अरे 1 लाख रुपए साल भर के अंदर पहुंच गया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जब 3 महीने में 45,000 पहुंच गया तो विवेक सक्सेना जी से मिलने का मौका मिला। मेरे अप्लाई ने बता दिया जी हरियाणा से कोई संजय यादव है, पुरानी कंपनी में 3.25 लाख का चेक था, बढ़िया लेवल था, अच्छा नाम था, लाखों लोगों का नेटवर्क है, वो इंसान अगर ढंग से करना शुरू कर दे तो धूम मचाएगा। और दोस्त जुनूनी शुरू से ही थे, पागलपन शुरू से ही था, तो काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के आते थे, जो विदेशी कंपनियां थी, जो अपने आप में बहुत समझदार और तुरम का बनते थे, ऐसे लोग भी मेरे से टकराते थे। वो एक बात बोलते थे, हमारे यहाँ की एजुकेशन बड़ी जबरदस्त है, हम यहाँ पे एजुकेशन देते हैं, हमारी जैसी कंपनी नहीं है, हर कई साल से इंडिया में काम कर रही है। मैं उन लोगों को देखता था कि उस कंपनी के अंदर सिर्फ एजुकेशन नाम के ऊपर एजुकेशन ही थी, पैसे के नाम के ऊपर कुछ नहीं था, कुछ नहीं आता था वहां पे। वो बोलता था मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, ये करूंगा वो करूंगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने 10 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए। मैंने कहा यार चेक बता, तेरा अमाउंट बता कितना है, मैं तो वेस्टिज के अंदर 5 महीने का छोटा सा बच्चा हूं, 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, तू 5 साल से है उस कंपनी के अंदर, तेरा चेक बता कितना। उसने कहा चेक नहीं बताते हमारे यहाँ पे। मैंने कहा यार हम भी नहीं आते आपके यहाँ पे, चेक बताते तभी लोग आते हैं, ठीक है, ये फालतू फंड की बातें नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत चाहिए, ये वावा करके ताली बजा के वावा करके टाई गले में बांध के ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। कि मेरी एजुकेशन नंबर वन है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैं दुनिया को जानता हूँ, किताबें पढ़ने वाले लोग और बहुत सारी एजुकेशन लेने वाले लोग खाली सूखे आते हैं जाते चले जाते, जब तक रोकड़ा नहीं आता जेब में, पैसा नहीं आता, ईमानदारी से नहीं आता, सिस्टम के साथ नहीं आता, क्या करूंगा सिस्टम का, ये बताओ ना। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ, क्या करूंगा ऐसी एजुकेशन का, इससे बढ़िया तो भीख मांग लेंगे। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, मिले मेरे को भी बहुत सारे लोग उस कंपनी में जब था मैं, करने कहने लग रहे तो कहने दो जी, चिंता क्या करनी थी। संजय जी 5 महीने में 5 लाख का चेक, कॉलर को ऊपर चलने लग गया जी करके, आओ आ जाओ भाई साहब, आ गया राणा प्रताप, डोन आ गया जी। क्यों? क्योंकि 5 महीने 3 महीने में 50,000 की इनकम पे पहुंच गया। कुछ लोगों को हंसी आ रही है, बिल्कुल ठीक है, मैं देख रहा हूँ आएगी जी। जब एक आदमी कॉलर ऊपर करके चलता है कि हाँ उस कंपनी में 3 साल में 20,000 पे नहीं पहुंचा, वेस्ट चीज में 3 महीने में 50,000 पे पहुंच गया, इससे बढ़िया तो भाई साहब अपने में आ जाता ना, कई बार आदमी घमंड हो जाता, सब कुछ मैं, मेरी वजह से सारा काम हो रहा है जी, मैं ही कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, अगर इस मीटिंग में बैठे हो तो अपने आप को जीरो कर लो, ठीक है। कई बार होता है अक्सर मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं है वो, बुरा मत मानना, ऐसे ही रहेंगे जीरो रह जाएंगे। नीचे कर लो अपने घमंड को, अपने ईगो को, ठीक है, उतार के फेंक दो। क्यों, क्या होता क्या है, अक्सर ऐसा हुआ है, मैंने देखा, मैं भी ऐसे ही आ गया था। 45,000 45,000 के चेक के बाद अगले महीने का चेक था ना, वो 962 रुपए का चेक आ गया, साइड मेंटेन हुई नहीं, पता था नहीं। अब लोग कहते हैं सर ये 962 रुपए का चेक कैसे आ गया 50,000 रुपए से, उस समय मैं तो अपलाइन को याद ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हाथ जोड़ लिया, अपलाइन अपलाइन अपलाइन, नमस्ते धन्यवाद, अपलाइन के बिना कुछ नहीं है, अपलाइन तो अपलाइन ही है, हाथ जोड़ लिए, गुरुजी जो कहोगे वो करूंगा। 3 महीने अपने आप में था जी, ईगो था, घमंड था, नॉलेज थी, ज्ञान था, अपने आप में बन रहा था जी, मैं सब कुछ हूं जी, ठीक है। लेकिन अपलाइन ने बोला संजय जी नॉलेज है बढ़िया है, लेकिन सिस्टम से काम करो, सिस्टम के साथ रहो, माहौल में रहोगे, इन्वायरमेंट अगर बनता है उस माहौल में, वातावरण में रहते हो तो आपको भी सक्सेस, जीरो से भी हीरो बन जाते हो, अनपढ़ आदमी भी करोड़ रुपए महीना कमाने लग जाता है अगर माहौल मिलता है तो। आप माहौल को अटैच में नहीं हो, माहौल के साथ नहीं हो, मीटिंग के साथ नहीं हो, सिस्टम के साथ नहीं हो, अपलाइन के साथ नहीं हो, जो इंसान अपलाइन के साथ नहीं है आप सोचिए, एक्टिव एंड इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, अपलाइन बोल रहा हूं मैं, अपलाइन तो बहुत मिलेंगे, अपलाइन तो दुनिया भर के हैं, ऐसी अपलाइन से तो नमस्ते। जो एक्टिव है, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जिसका चेक ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, लेवल है, टीम में अचीवमेंट आ रही है, उस अपलाइन का नाम ले रहा हूं। उस अपलाइन की बात को मानिए, फॉलो कीजिए, मेंटर मानिए, कोच जो भी आप मानते हो, ठीक है, उसकी बेल्ट पकड़ लीजिए पीछे से कस के, गुरुजी गुरुदेव, ठीक है, कंधे पे हाथ रखकर, मैं आपके साथ हूं सर, मैं करूंगा, बोलो क्या करना है। और दोस्त मैंने उस दिन से कमिटमेंट कर लिया कि अपलाइन जो कहोगे वो मानूंगा। और उसके बाद राजीव सर से बहुत सारी बातें करने लगा, बहुत सारे राज सर से, रिजवान जी से, उन्होंने कहा सर दिल्ली आ जाइए, मीटिंग लगातार होने लग रही है। राजीव सर ने मेरे को और राज सर ने विवेक सक्सेना जी से नंबर दिए, विवेक जी मेरे घर पे आए, विवेक सर जी एक बार चाहूंगा विवेक सर के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए, हम सबके मेंटर, वी टीम के फाउंडर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी, ब्रांड एम्बेसडर हमारे, उन्होंने घर पे आए। घर पे आने के बाद जो शायद ये अगस्त का महीना था, और जब घर पे आए, घर पे आने के बाद बात हुई, 1.5-2 घंटा बात करी मेरे घर पे,
तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ, 45,000 का चेक तो पहुंच गया लेकिन आप बताओ आप क्या करना है। दोबारा वापिस 1,000 पे आ गया हूँ, सिस्टम कहोगे उसी सिस्टम से काम करूंगा। दोस्त करता चला गया विवेक सर का, उस दिन से आज तक अपने आप को उनको समर्पण कर दिया जी, समर्पित कर दिया, सर जो कहोगे वैसे ही करेंगे और वैसे आपको फॉलो करूंगा। उस दिन का दिन आज का दिन है, गुरु माना था, हमेशा मानता हूं, मानता था, मानता रहूंगा। आप भी किसी एक को मान लीजिए बार बार, आज ये आज वो, कल वो, कल वो, परसों नो यार, आप जिसके साथ हो आप मेंटर मानिए, कोच मानिए, जो भी आप उसको मानते हो। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। आप जो कहोगे मेरी लाइफ आप में समर्पित है, समर्पण कर दिया जी। अच्छा करो, बुरा करो, कैसे भी कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ रहूंगा, कुछ भी करना पड़े बट मैं करूंगा सर। बस उस दिन से आज तक लगातार करता चला गया, करता चला गया, बात को माना। कितना एकलव्य ने भी उनकी प्रतिमा बनाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी, आपके साथ आप सप्लाई हो या ना हो, ठीक है, उसकी गाइडलाइन, उसका विश्वास, उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग तमाम आपके साथ है। आपसे बात कम करे, ज्यादा करे, मिले ना मिले, नो मैटर, छोड़ दो यार, आपने उसको माना है ना दिल से, मान लीजिए, समर्पण कर दीजिए, समर्पित हो जाइए सिस्टम के साथ और उस अपलाइन के साथ। सर जो कहोगे वही करेंगे, ऊपर वाला याद करता है, ब्लेसिंग्स है आपके मन में। अगर बार 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 वो बात आ रही है, कहते ना हनुमान जी वाला बन जाइए, भगत बनो तो हनुमान जी की तरह बनो, जैसे राम जी, कहते ना भगत सबसे प्यारे भगत कौन है, हनुमान जी है, किसके, राम जी के। वो किंतु परंतु बट नॉट इफ नहीं करते, वो हर बात बात को मानते हैं। दोस्त बात को मानना शुरू कर दिया तो आज आपके सामने हूं। सारी निचोड़ मोटा मोटी एक बात बता दूं आपको, पिछले 8 साल से ज्यादा मेरे को इस बिजनेस के अंदर हो गए हैं। इन 8 सालों में वेस्टेज से मैंने जो पैसा कमाया है 6,29,00,000 रुपए मेरे को वेस्टेज से आए हैं। अब 6 करोड़ की इनकम, लोग क्या कहते हैं कि 6 करोड़ रुपए वेस्टेज ने मेरे को दिया है, सोचिए आप। वेस्टेज से आज मैंने 5 गाड़ियां परचेज करी है। मेरा पहले महीने का चेक वेस्टेज से 16 लाख रुपए का था, हाईएस्ट चेक 17,05,000 का चेक है। अब 17,05,000 का चेक आप सोचिए, 17,05,000 रुपए का चेक अगर वेस्टेज से मेरे पास इन 8 सालों में आ सकता है तो माय डियर, उस समय 35 प्रोडक्ट थे जब हमने ज्वाइनिंग किया था, उस समय CNT मीटिंग सेमिनार इवेंट नहीं होते थे। आज के टाइम में आपके पास इवेंट होते हैं, हजारों लोग आज आपके साथ है, और आज अगर 17 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, आज अगर वेस्टेज के अंदर जब मैं आया था तो मैंने पहले 5 लाख रुपए की, 5.5 लाख की कार ली थी, उसके बाद 8.5 लाख की मैंने कार ली, उसके बाद तीसरी कार मैंने 42 लाख की, 42 लाख रुपए की ओडी ली, जो राजीव सर अभी बात कर रहे थे कि ऑफिस के अंदर मेरे को वेस्टेज को करते हुए 2 साल 3 महीने हुए थे। उन 2 साल 3 महीनों में जब मैंने लिया था वेस्टेज को, जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा सर डिसीजन अच्छा है ले लीजिए। दोस्त उस समय विवेक सर ने कार ली थी, उसके बाद में मैंने कार ली थी, हरियाणा में किसी ने कार नहीं ली थी। लोग कहते थे, मेरे बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन उन लोगों ने कहा था संजय जी क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, ये गाड़ियां लेने का है कि 40-50 लाख की कार है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, आपकी सोच ऐसी हो, मेरी सोच बड़ी है, आप भले मेरे से छोटे हो बड़े, लेकिन आपको हो सकता है दूर का दिखाई नहीं दे रहा हो, मेरा नाम संजय नहीं है, मेरे को दिखाई दूर का दे रहा है, ठीक है, ऊपर वाले ने नाम भी ऐसे रखा है, मेरे को पता है इस बिजनेस में क्या होगा, ठीक है। एक बात बोली जाती है डायरेक्ट सेलिंग में, जब आप आते हो जो दिखता है वो बिकता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं आज ओडी लेके आया हूं तो लोगों को विश्वास बनता है कि संजय जी अगर ओडी ले सकते हैं 2.5 साल के अंदर 40-50 लाख की ओडी में चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं, विश्वास बढ़ता है। मेरे अप्लाई ने किया, मेरी कंपनी ने किया, और लोगों ने किया है, इसलिए आप अपनी राय अपने पास रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद उन लोगों को मैंने उस समय कहा, शुक्रिया आपका, आपने अच्छी एडवाइस दी मेरे को, लेकिन मैंने उस समय बोल दिया था कि आप अपनी पास राय रखिए, ऐसे मिलेंगे लोग आपको कहने वाले, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसकी परवाह मत करना, टेंशन मत लेना यार, क्योंकि आपका डिसीजन है, आपने करना है, आपको समझ में आया। उसके बाद आज जिस समय पहली कार ली थी, उसके बाद में कारों की लाइन लग गई जी। आज मेरे ग्रुप के अंदर सैकड़ों लोग हैं जिनके पास अपनी पर्सनल छोटी बड़ी गाड़ियां है, सोचकर देखिए। आज मेरे ग्रुप के अंदर 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर जैसी गाड़ियां ले ली है। अगर मैं पहल नहीं करता तो आज आपके सामने हूं मैं। अगर मेरा चेक ही अगर 1 लाख रुपए का होता तो आज मेरी टीम में 10 लाख के चेक थोड़ी बन पाते। मैंने प्लान किया, काम किया, लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पिरेशन मिले, इंस्पायर्ड हुए कि आप गाड़ी ले सकते, हम भी ले सकते, लोगों के सपने बने, ड्रीम बने, जगे, तो आज आपके सामने हूं। आज 1 करोड़ की जगुआर भी चलाता हूं जी, पिछले तकरीबन 3 साल होने को है, सोचिए आप। अब इन दिनों में और आपके टाइम में, आज के टाइम में जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कहा बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम उस जमाने में, आज के जमाने में रात दिन का फर्क हो गया। उस समय कार बुक नहीं थी, उस समय लग्जरी कारों के नाम के ऊपर बहुत कम कारें थी, आज आपके पास सैकड़ों कारें दिखाने के लिए। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है, ऐसी मैं क्यों बताने लग रहा हूं, आज मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ है। और दोस्त अभी जो आपको बता रहा हूं,
अभी एक मैंने कार परचेज अभी देख के आया हूं मैं, जल्दी आपके बीच में 75 लाख की एक मर्सिडीज परचेज कर रहा हूं। लोग कहते हैं यार कारों का बड़ा शौकीन है, 7 कार अलग अलग दिन अलग अलग गाड़ियां। मैंने बोला था यार सबको बोल रखा है और सबको पता ये आदमी करेगा। उस दिन मेरा फाइनल था, माता जी एक्सपायर हो गई थी पीछे मेरी, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। 75 लाख 75 लाख रुपए की मर्सिडीज लेने जा रहा हूं, जल्दी खुशखबरी आपको मिलेगी। आप कहोगे सर मजा आ गया जिंदगी में, और क्यों? क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हाँ बजा सकते हो ताली जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो आपकी भी आएगी। और ये ड्रीम हर आदमी देखता है। आज बढ़िया ऑडी है, जगवार है, सब कुछ है। आज घर पे अभी मैं चेक कर रहा था, 7 गाड़ियां, हाँ 7 गाड़ियां खड़ी हुई है अभी जहां मैं अभी रह रहा हूं। तो आप कहोगे सर 15-16 गाड़ियां खड़ी हो जाती है यहाँ पे, तो 7 गाड़ियां तो अभी घर पे खड़ी है। सो एक छोटा भाई है वकील है, उसकी भी गाड़ी है, मामा जी का लड़का उसकी भी खड़ी है, 5 अपनी गाड़ियां भी खड़ी है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी बातें, और अगली एक मर्सिडीज आने वाली है। ये सारी चीजें कैसे हो पाए? अगर वैसे नहीं होता तो मैं आपके बीच में नहीं होता, मैं सारी चीजें आपसे नहीं कर पाता। कुछ चीजें जो आपको मैं अभी दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। कितने लोग चाहते हैं हमारे पास भी यार लाखों रुपए महीने की इनकम आए, प्लीज एक बार हैंड रेस कीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ। ओके डन, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि लग्जरी कार हमारे पास आए? ओके, कितने लोग चाहते हैं मैं भी विदेश यात्रा करूं? ओके, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। कितने लोग तैयार है ना सुनने के लिए, मेहनत करने के लिए? घर से निकलना पड़ेगा, घर में बैठकर ऐस मारने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलकर फील्ड में जाकर ना सुननी पड़ेगी लोगों की। ना सुनने को तैयार है? कितने लोग तैयार है ना सुनने को? सर मैं तैयार हूं सर, कुछ भी हो जाए मेरे को करना है, ठीक है। दुनिया कुछ भी कहती रहे मैं करूंगा सर, अगर आप ना सुनने को तैयार है, अगर आप फील्ड में जाके काम करने को तैयार है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं यार संजय जी मैं आज भी, मैंने कहा 12 दिन में आया हूँ वहां, वो भी काम था, मीटिंग भी करके आया हूँ, एक मैं रानी खेत में एक सेंटर की ओपनिंग भी वो डलवा के आया हूँ, एप्लीकेशन करवा के आया हूँ। आप कहोगे सर कहाँ कहाँ? पीछे मैं अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैं अभी राजस्थान में था, फिर मैं रणथंभौर चला गया, सवाई माधोपुर, फिर देवली, कोटा, वहां भी 2-3 सेंटर ओपन करवाए। कितनी सारी चीजें, मैं बाहर हूं यार। कुछ लोग कह रहे हैं सर, अरे यार आप एक बात बताओ मेरे को एक समझ में नहीं आता, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, करते रहो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी भी बोल रही है सब करो, अपनी सेफ्टी रखते हुए 1x1 तो मिलना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, 1-2 लोगों से तो मिल सकते हैं, घर में बैठकर ही सारे काम हो रहे हैं क्या? आप ये जितने लोग आप बैठे हैं यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलेंगे मेरे भाई? आप ये बताइए, मजदूर काम नहीं कर रहे हैं क्या? चाय वाला चाय नहीं बना रहा है क्या? जूते वाला जूते नहीं काट रहा है क्या? रेलवे स्टेशन के ऊपर टीटी नहीं बैठा है क्या? ट्रेन नहीं चल रही है क्या? हैं, आप ये बताइए, क्या मजदूर मजदूरी नहीं कर रहा है क्या? सब्जी वाला सब्जी नहीं लेके आता, दूध वाला दूध लेके नहीं आ रहा क्या? हम अपने आप में बोल रहे हैं मेरा हो जाएगा कोरोना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे काय का कोरोना, काय का हो जाएगा? अपनी सेफ्टी रखिए, मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए, लोगों से बैठिए, लोगों से बात करिए, घर से तो निकलना पड़ेगा भाई, काम तो करना पड़ेगा। आज कोरोना उन लोगों को नहीं हो रहा, सब्जी मंडी में लाइन लग रही है, शराब के ठेके पर लाइन लग रही है, बहुत सारे लोग हैं जो वहां खड़े रहते हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा, वे बाहर नहीं निकल रहे। उस समय बोलते मैं कैसे बाहर जाऊंगा, तू दारू लेने बाहर चला जाता है, सब्जी लेने बाहर चला जाता है, दूध लेने बाहर चला जाता है, बच्चे की फीस देने बाहर चला जाता है, और कुछ लेने बाहर चला जाता है। आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो जूम पे ही करूंगा, नमस्ते, तो नमस्ते ही आएंगे, फिर पैसे भी ऐसे ही आएंगे। पैसे कमाने हैं तो भाई लोगों से बात करनी तो पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा। कुछ लोग घर में बैठकर आराम से नींद लेने की आदत है कुछ लोगों को, और आज कह रहा हूं दोस्त जिंदगी में अगर आपने घर से निकलने की आदत डाल ली तो लक्ष्मी घर के अंदर आ जाएगी। आदत का मतलब ये नहीं कि आज 500 लोगों की मीटिंग कर लो, मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन 1x1 एक एक दो दो लोगों से जूम पर वैसे डिस्टेंस बनाकर सेफ्टी रखते हुए तो बात तो कर सकते हैं, मिल तो सकते हैं फिजिकली, बहुत सारे लोग आपके साथ अटैचमेंट होना, चेक देखना, डेमो देखना और कहानी सुनना, ये तो काम करेंगे तभी तो होगा, जाना तो पड़ेगा। अगले महीने नवंबर में अभी मैंने कंपनी से भी बात करी, 2-3 दिन पहले बाली सर के साथ में मिलके आया, तब भी बात होने लग रही थी। मैंने अभी 4-5-6 मेरे बैक टू बैक मेरे जिम कॉर्पोरेट में और जयपुर में और अलवर में मेरे प्रोग्राम फिक्स है, बैक टू बैक फिक्स है। आप ये कहोगे 150-200 लोग नहीं, 250-300 लोगों के 5-6 प्रोग्राम फिक्स कर दिए, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्यों कर रहा हूं, मैं अभी फिलहाल 1x1, 1-to-1 लोगों के पास जाकर समझाकर बात करके करने लग रहा हूं, ताकि हम लोगों के बाहर निकलेंगे, जाएंगे, थोड़ी सेफ्टी बरतेंगे, आराम से रहेंगे, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कहते हैं कोई मेडिसिन कोरोना की नहीं आई अपने पास, एंटीबायोटिक आ जाएगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी यार सेफ्टी तो रख सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, जा तो सकते हैं, समझा तो सकते हैं, सेंटर पे भी जा रहे हैं, सब दुकानें खुलने लग रही, वो भी तो बेचारे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो किसी के हस्बैंड है, वो भी तो किसी के भाई है, वो भी तो कर रहे हैं। हम और आप घर में रह के नहीं कर रहे हैं, मैं बाहर हूं यार इतने दिन से। लोग कहते हैं संजय जी, कुछ लोग कहते हैं यार क्या करेंगे, अरे यार आज 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए कमा रहा हूं,
आज ही आने लग रहे, उसके बाद भी भागो, मैं भी घर बैठ सकता हूँ, मैं भी आराम से रह सकता हूँ, मेरे को भी जरूरत क्या है, मैं भी मना कर दूंगा। 12 प्रॉपर्टी बनाई है इसमें, वेस्ट चीज में आने के बाद इन 6 महीनों में 4 रजिस्ट्री कराइए, सोच कर देखिए, ये वेस्ट चीज का कमाल है। मेरे आसपास के लोग सब जानते हैं, सीए के पास कल ITR गई थी, देख कर चौंक गया कि क्या कर रहे हो सर, इतना पैसा आ रहा है। पिछले महीने का चेक देखकर दंग रह गया कि संजय जी मैंने इतना उछाल नहीं देखा, अभी नहीं, अभी 2 महीने में दिखाऊंगा। लोग कहेंगे सर ये हो क्या रहा है, सो आपको कह रहा हूं बाहर लो, आराम से बैठिए, घर में मत निकलिए, कोई नहीं कहता आपको। अगर जिंदगी में रिक्शा दिखाई देना तो करना यार, नहीं तो मत करना आप, कोई नहीं कह रहा आपको कि बाहर निकलिए। आपको इतना ही डर लग रहा है ना, तो अंदर बैठे रहिए। आपको यही लग रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं तो जूम पे ही करूंगा, डिजिटल इंडिया बढ़िया है, ऑनलाइन सारी चीज सीखिए माय डियर। लेकिन लोगों से अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो लोगों को भी लेके आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो जॉब पे जा रहे हैं बेचारे, पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, उनको ड्यूटी निभानी है। अगर वो वेस्टीज कर रहे होते तो कल उनका भी बहाना कर सकते हो हम और आप, हैं? वे भी कर सकते हैं, उन्होंने डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, काम करने लग रहे हैं, वो भी बहाना कर सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर, मैं नहीं करूंगा नौकरी, रिजाइन दे दूंगा, क्यों? अरे फर्ज निभा रहे हैं, आपको ये नहीं कह रहे, लेकिन आपको एक चीज तो समझनी चाहिए, अगर हिंदुस्तान को रियली आर्थिक रूप से आजाद कराना चाहते हो तो भाई अपने आप को सेफ रखकर, सेफ्टी के साथ, लोगों को बताकर, समझाकर इतना पैसा बनाना है हिंदुस्तान को कि आने वाले समय में टैक्स दे रहे हैं। आज मैं भी देता हूं ना, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, चैलेंज क्या है, लेकिन आप कर सकते हैं। चलिए और चीज थोड़ा सा शेयर करूंगा, मैं अपने वीडियो को एक बार बंद कर रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, मेरी बात समझ, मेरी आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके हाँ, तो इस बार इस दौरान टेंशन ना लेना, चिंता मत करना, कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में कई बार मैंने देखा भी है और आप समझा भी है। एक बार मैं राजीव सर मेरे को बोल देना अगर स्लाइड आ गई हो तो, मैं कुछ बातें थी जो दो, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 20-25 मिनट आपके साथ और रहूंगा, बस आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हाँ राजीव सर मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन अगर ऑन हो तो एक बार देख देना कौन शायद होस्ट है, मेरे को वो नहीं आया स्क्रीन। सर आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हैं आज, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस बिजनेस में करने के लिए बस एक छोटा सा डिसीजन चाहिए आपको, बाकी सारी चीज है, आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। मैंने जब शुरू किया तो कुछ लोग कह रहे थे संजय जी क्या आपके पास तो तजुर्बा था, नॉलेज थी, आप ही कर सकते थे, और कोई कर ही नहीं सकता, ये सारी चीजें आपके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, आज अपने आप को चेक कर लेना। और मेरे दोस्त अगर जिंदगी में खालिस्तान होना तो आज अपने आप को चेक करना, इसलिए बिजनेस करना है कि यार मेरे को करना है, अगर आपको नहीं लगे ना तो मत करना, घर में रहना आराम से मेरे भाई, बाहर मत निकलना, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना का डर है, आज कोरोना COVID-19 आया, कल हो सकता है 20 आ जाए, 21 आ जाए, जिंदगी में पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। रात को उठ के देखना यार, आपके बच्चे, बीवी, बच्चे, फैमिली, मम्मी पापा, सिस्टर, भाई, ब्रदर आराम से सो रहे हैं, आप जिंदा हैं तब सो रहे हैं, इस दुनिया से उस पिक्चर को हटा के देखना, फिर देखना कि क्या होने वाला है। इसलिए कुछ करना है तो उसके लिए कुछ समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम कई बार क्या कर रहे हैं, कई बार उन चीजों को इग्नोर करने लग रहे हैं, देखते नहीं है, छोड़ो यार, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, क्यों भाई? आज एक चीज समझ लो, मैं आपके बीच में आया अभी, एकता जी स्लाइड आ रही है क्या स्क्रीन? यस सर, ये आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है जी, आ रही है। ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज आप देखिए और समझिए, जिन लोगों ने बाहर निकलकर यार, जिन लोगों ने अपने आप को चेंज किया है ना, अपलाइन को फॉलो किया, सबमिशन में रहे, आज वो लोग आपके बीच में, थोड़े से चेहरे देख लीजिए, हर दिन देखते हैं इनको, लेकिन हर दिन देखने का तरीका अलग, आज अलग देख लीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देख रहे हैं, इन लोगों से मिलेंगे आज, इन लोगों को समझेंगे, देखेंगे। आज 16 साल हो गए जी कंपनी को चलते हुए, इन 16 सालों में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, कहने की जरूरत नहीं है, खूब CNT होती, खूब पता आपको। अरे 16 साल का छोटा सा बच्चा है, दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, जिस दिन 21 साल का होगा ना, जवानी आएगी जिस दिन, आज के 5 साल के बाद माय डियर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में नंबर वन होगा, सोच कर देखो आप। हम कई बार वेस्टीज को समझ नहीं पा रहे, एक वेस्टीज है क्या? अरे मैंने भी जिस कंपनी में इतने दिन 11 साल लगाए थे, मैं भी अपने आप में तुर्रम का बनता था, मैं अपने आप में इतना समझदार बनता था, क्या तेरे से बड़ा नेटवर्कर कोई नहीं है। यहाँ आने के बाद देखा भाई साहब, यहाँ तो एक अगर आदमी सही तरीके से काम करे तो तुम अपने अपलाइन से भी आगे निकल सकते हो, अपलाइन के अपलाइन से भी आगे निकल सकते हो, अपलाइन के अपलाइन से भी आगे निकल सकते हो और नंबर वन बन सकते हो।
ये प्लान ही ऐसा है, पोटेंशियल इस प्लान में इतनी जबरदस्त है, इतनी बड़ी क्षमता इस प्लान के अंदर है। कई बार हम सोच ही नहीं पाते सर मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे ऐसे ऐसे लोगों ने कर दिखाया कि लोगों के पास आज आप देखोगे यार ये लोग वस्तीज देखिए। एक बार मैं चाहूंगा मैनेजमेंट के लिए ताली बजा दो यार, जिन लोगों ने तकरीबन कहते ना 36 साल 25 साल 25 साल 86 साल का एक्सपीरियंस होल्डर के साथ हम काम कर रहे हैं। आज सब कहने की जरूरत नहीं है, अजबाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, एक ऐसी विजनरी मैनेजमेंट के साथ जिन्होंने वाकम इंजीनियर प्लान डिजाइन किया, जिन्होंने त्रिदेव के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम जाना जाता है, एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट ड्राइवर, एक राइट सिस्टम के साथ, एक राइट अपलाइन के साथ, एक राइट कंपनी के साथ, राइट मैनेजमेंट के साथ, राइट प्रोडक्ट के साथ और राइट सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं। सही तरीके से काम करते हुए आज इन लोगों ने वो कर दिखा इन 16 सालों में, जो हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 90 सालों से जो कंपनी चल रही वो नहीं कर पाई है। सो अपने को यार 1% भी शक नहीं करना, 1% भी ये नहीं देखना कि वेस्टी तो वाकई में नंबर वन है, नंबर वन थी और नंबर वन रहेगी। अचीवमेंट, अरे आज 30वें नंबर पे कंपनी आई है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है यार, ये गौरव की बात है। हम यार पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के नाम के ऊपर अगर हमारा नंबर अगर आता है आज तो हम प्राउड फील करते हैं यार। टॉप 100 में हमारी कंपनी का नाम आता है यार, इतने सारे लोगों के पास आज इतने लग्जरी कार अचीवर कंपनी ने बना दिया, 6000 से ज्यादा वो 200 लग्जरी कार अचीवर यार। अरे 52 से 55 लोग ऐसे जिसकी एक महीने की इनकम आप देखिए यार 25 करोड़ रुपए महीने तक कमाने वाले हमारे बीच में, सोचो 52 लोग। वेस्टीज के अंदर कैसी क्रांति शुरुआत हुई थी, एक आदमी चला था, उसके बाद में लाख रुपए का चेक भी नहीं था और आज आपके बीच में कितनी सारी चीजें बताने के लिए और दिखाने के लिए। माय डियर शाम हो जाएगी, टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, आज सिद्धार्थ सर अगर एक महीने का चेक, सिद्धार्थ सर का ये तो पीछे उसका था, जुलाई का चेक था, अगस्त का भी आ गया, सितंबर का भी है और अभी कहते हैं पुरानी स्लाइड है, और अभी उनका 1.68 करोड़ का तो हाईएस्ट चेक है। मैं एवरेज मान लेता हूं, अगर 1.25 करोड़ की एवरेज इनकम सिद्धार्थ सर के पास आ रही है जो आज से 12 साल पहले चले थे सिद्धार्थ सर और चलचित्र मैम, लेकिन आज वेस्टेज के अंदर एशिया के टॉप अर्नर के नाम जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 360-362 नाम आज सिद्धार्थ सर का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करोड़पति बनने में आता है। सोचिए यार कितनी बड़ी बात है, हम किस कंपनी के साथ हैं, क्या क्या चीज आपको दिखाने के लिए आपके पास है। आप बोलते हो सर मैं कैसे करूं, कैसे कर पाऊंगा, कौन लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों का कहना क्या है, जगह अगर आप सही तरीके से लोगों को प्लान दिखाएं तो लोग मना करने वाले नहीं है। एक बार चाहूंगा विवेक सर, सिद्धार्थ सर के लिए दिल खोल के ताली यार। विवेक सर ने ब्रांड एम्बेसडर वाक्य में 40 लाख से ज्यादा की रेगुलर इनकम, एक ऐसे अपना हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु, वाक्य में एक मैजिकल मैन है। आज थोड़े कई दिन हो गए थोड़ा घर बनाने में बिजी है, बड़ा शानदार घर बन रहा है, करोड़ों रुपए घर में लग रहे हैं और आज एक बार चाहूंगा विवेक सर जल्दी आपके बीच में भी आने वाले हैं, जल्दी आपकी मीटिंग और ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, एसटीएम दोबारा से शुरू होने वाला है, फिर दोबारा से जिम कॉर्पोरेट में आपको दोबारा सारी चीज आपको मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच विवेक सर, आज अगर गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ये लगे हैं। और एक बार मैं चाहूंगा विवेक राजीव शर्मा जी के लिए, जिन्होंने वाकई में फाउंडर ऑफ ग्रो रिच, अगर मान लो किसी ने सिस्टम को सीखा, सिस्टम को शुरुआत करी तो मिस्टर राजीव शर्मा जी ने, क्योंकि राजीव शर्मा जी अगर विवेक सर से नहीं मिलते, राजीव शर्मा जी अगर उस टाइम के ऊपर विवेक सर के साथ बैठकर प्लानिंग नहीं करते, जयवीर सर के साथ बैठकर प्लानिंग नहीं करते, तो ये 4 लोग और जो दिखाई दे रहे वो आज नहीं होते। और वाकई में एक इस तरह इन्होंने कहते हैं मेरी लाइफ में आने के बाद तो मेरे एक अपलाइन की तरह, एक लाइफ कोच की तरह, छोटे बड़े भाई की तरह इन्होंने साथ दिया। पुरानी कंपनी में भी हमारे साथ थे, बिजनेस पार्टनर थे, वहां भी कितने की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद भी, और आज खुशी होती है कि हम सारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लग्जरी कार सारे अचीव हो रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा की इनकम राजीव जी की है। सो एक बार चाहूंगा राजीव सर के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए, जो आज शिवराज जी जो भाई है उनके कितना आत्मनिर्भर चैनल के ऊपर भी सारे लोग हर दिन मीटिंग लगातार होती रहती है। सो शिवराज जी और तमाम सभी के लिए दिल खोल कर एक बार आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, राजीव जी ने बड़ी मेहनत करके आज इतना सब कुछ बनाया है। सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर, राजीव सर, जो आपने इतना सब कुछ किया और मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को आप बताते हो, हर बार जब भी आपसे बात होती है आप इतना कुछ बताते हो, मैं कई बार अपने आप को चेक करता हूँ कि हाँ राजीव सर ने ये सारी चीजें जो बोली थी, जो बताई थी, सारी सब कुछ राइट होने लग रही है। सो शुक्रिया सर इतनी अच्छी गाइड करने के लिए, अच्छी गाइडेंस देने के लिए, थैंक यू सो मच। रिजवान सर जिसका इनकम 14 लाख रुपए के आसपास का है, आप देखिए एक इंजीनियर होते हुए आज इतनी इनकम कमा रहा है, लोग कहते हैं कैसे, अरे 8 साल का वो टारगेट है, मेरे दोस्त यहाँ 8 साल पहले के लोग भी है और 10 साल पहले के लोग भी है। एक बात समझ लेना, ऐसा कौन सी खास बात है जो कुछ लोग हैं जो इतना ग्रो कर गए, कुछ लोग हैं जो वहीं की वहीं है, इसका मतलब सिस्टम में कमी नहीं है, अपने आप में कमी है। एक कड़वी बात बोल देता हूं, बस सारे लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस में आप आए हैं ना, अभी आए हैं और कर रहे हैं, ये पैसा आदमी के इंसान की औकात देख कर ही देता है। ये बिजनेस इतना खास है, जितनी जिसकी औकात है ना उतना ही पैसा उसको देगा, औकात से ज्यादा पैसा देगा नहीं, ये भी गारंटी है।
और मेरे दोस्त अगर औकात बढ़ानी है तो आज से सीखना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, सिस्टम में आना शुरू कर दीजिए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट। आप कहोगे सर वाकई में ठीक कह रहे हो, जिसकी जितनी औकात है बिजनेस उतना ही देता है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी औकात बड़ी हो गई। सिस्टम को जो फॉलो करता है, अपलाइन के जो टच में रहता है और सिस्टम के साथ जो गद्दारी नहीं करता है, सिस्टम को जो साथ सीख कर करता है, वो दुनिया में कहीं भी, कहते ना यार कामयाब होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ जितने भी लोग आए थे उन सब की इनकम आज के टाइम में शुरुआत से आज तक देखिए, जितने भी ये आप दिखाई दे रहे हैं इन सब की इनकम दिखा रहा हूं मैं। धर्मेंद्र मान जी एक महीने का चेक, सोचो आप, कहीं 14 लाख, कहीं 12 लाख, राजीव जी का 10 लाख का चेक, ठीक है, रियान जी का चेक 8 लाख का चेक, तेजेंद्र राणा का चेक जिस समय आए थे, अरे किसान आदमी, 10वीं 12वीं पास आदमी आज 15.5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, लॉकडाउन जैसे इनकम। बस वही है कि समर्पण, सबमिशन है, आदमी काम करता अपलाइन को समर्पित करके, बोलो सर क्या करना है, जो कहोगे वो करेंगे, वैसे करेंगे, ये होता है। कितना भी बड़ा बन जाए आदमी फिर भी एक ही बात, सर नहीं सर पैसे कमाए, कई बार इतना ईगो और घमंड आ जाता है, दोस्त कहाँ लेके जाना है, कहाँ जाएगा। आज अगर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, आज मैं ग्राउंड वर्क आज भी जा के कर रहा हूँ, एक एक आदमी से आज भी मिल रहा हूँ। एकता जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आवाज आ रही है। ओके शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो आज सारे के सारे लोग आज आपके बीच में, ये वो लोग है जिन्होंने वाकई में आज से 8 साल पहले शुरू किया था और आज लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, आज 50-50 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। जिस गाड़ी का ड्रीम होता था, सपना होता था, आज इनके शहरों के नंबर वन इंसान बन गए हैं, अपने शहर की सबसे बड़ी गाड़ियां चलाते हैं ये लोग। लोग कहते हैं वेस्टीज कैसे करूं यार, वेस्टीज करने के लिए भाई एक ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, एक जुनून के साथ जब करना पड़ेगा, सबमिशन में आना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा, देखिए उसके बाद रिजल्ट। नेक्स्ट अभी बात करते हैं, एकता जी आपके बीच में अभी बात करने लग रहे थे, अरे लेडी लेडी के नाम के ऊपर आज 100 लोगों में नाम आता है, एक ऐसा, बहुत सारी फीमेल यहाँ बैठी हो, अपने आप को चेक कीजिए यार, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को क्या करना है। अरे जब एक महिला कर सकती है, एक औरत कर सकती है, हाउसवाइफ कर सकती है, लाखों रुपए महीना, 3 लाख से ज्यादा की इनकम कमा सकती है, 50 लाख की गाड़ी में चल सकती है, तो आप क्यों नहीं चल सकते। हम और आप यहाँ पे बैठे हैं, सर मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनको 8-8 साल हो गए हैं, जिनको 9-9 साल हो गए, जिनको 10-10 साल हो गए, सर मेरे से नहीं हो रहा, सर मैं तो लगा हुआ हूँ। क्यों भाई आपसे क्यों नहीं हो रहा? अरे करने के लिए क्या चाहिए, कलेजा चाहिए करने के लिए, घर से बाहर निकलोगे तब होगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाइए। मैंने कहा है ये पैसा, ये बिजनेस उतना ही देता है जितनी जिसकी औकात होती है। आज अपनी औकात बढ़ा लीजिए, अपने जो नॉलेज को बढ़ा लीजिए, सिस्टम के साथ अटैच हो जाइए, अपलाइन को फॉलो कीजिए, अपलाइन जो बोला है ना, एक्टिव एंड ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन, उसको फॉलो करिए, सिस्टम के साथ रहिए, देखिए उसके बाद रिजल्ट। नहीं तो माई डियर जिंदगी में 2 साल क्या 6 साल और लगा देना, उसके बाद भी लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन आज जो जितने भी लोगों को मैं फोटो दिखा रहा हूं, इन सब लोगों ने अपनी अपलाइन को सबमिशन, अपनी अपलाइन को दिल से फॉलो किया है, वे लोग हैं, उन लोगों की मैंने फोटो ही नहीं लगाई जिनको, जो फॉलो ही नहीं करते हैं। सो आपको क्यों कह रहा हूं मैं, ये लोग वो है जो रात दिन अपनी अपलाइन को दिल से सलूट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, सपने में भी थैंक यू बोलते हैं, दिल से कहते हैं हाँ सर सलूट है। अरे कहीं ना कहीं स्टेज पे जाते हैं, उन्होंने बिजनेस दिया है, नाम दिया है, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, लव यू सर, आप अगर नहीं होते तो हम नहीं होते, ये होती है सोच, ये होती है प्लानिंग ऐसे लोगों के साथ। तो भाई सबमिशन में, समर्पण के साथ कीजिए, देखिए रिजल्ट। आप कहते हैं देखिए आगे, इंदु त्यागी जी ये होता है, एक पार्लर चलाते चलाते महिला आज 3 लाख रुपए के आसपास की रेगुलर इनकम ले रही है, हस्बैंड अच्छी जॉब में थे, लाखों रुपए महीना कमा रहे थे, और आज एक अलग से BMW की मालिक है, 40-50 लाख की गाड़ी में चलती है, आज बढ़िया देहरादून जैसे एक ऐसे शहर में रहती है जहां पे कहते ना ड्रीम, जहां सपना था ड्रीम हाउस कि वैसे पहाड़ों के बीच में रहूं, आज ये लेडी आपके बीच में हर महीने रेगुलर लाखों रुपए महीने की इनकम आती है, लेकिन आज से 5 साल पहले तो नहीं आती थी। एकता मैडम ने ज्वाइनिंग करा है, राजीव सर की गाइडलाइन, एकता मैडम की गाइडलाइन में काम किया, आज लाखों रुपए महीने पर पहुंच गए। क्यों पहुंचे हैं, क्या हो गया जी, एक सबमिशन था, अपलाइन के साथ फॉलो था, मीटिंग में, इवेंट में, सिस्टम में, सारी चीजों में क्या किया, अपने आप में बदलाव करना था, अपने आप को चेंज करना था, अपने आप को सीखना था, अपने आप अपनी औकात और बढ़ानी थी, तभी तो सब कुछ हो पाया है, तभी तो कुछ कर पाए हैं। इसलिए देखिए ये आप भी कर सकते हैं, आपके साथ भी है ये सारी चीजें। इनका नाम देखिए, जितेंद्र नाई जी, ब्रांड एम्बेसडर, 25 लाख रुपए का चेक, अरे साइकिल पर चलने वाला आदमी। उसके बाद दिनेश कदम का देखिए, लोग कहते हैं सर यहाँ हाउसवाइफ भी कामयाब है, यहाँ MBA कामयाब, अरे यहाँ स्टूडेंट कामयाब है, चेक देखिए। और दोस्त ये बच्चे तो कल आए थे, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं बुरा मत मानना, सारे लोग अपने आप को चेक कीजिए, देखिए अगर 5 साल में ये कर सकते हैं तो आपको 8 साल 9 साल 6 साल 10 साल जो भी है या 3 साल जहां के लोग जैसे भी बैठे, भाई अपने आप को चेक करो कि मैं कहाँ हूं और क्या कर रहा हूं। इसलिए दिनेश कदम भी आपके बीच में है। उसके बाद में
देखिए 2,41,000 दुष्यंत भी आपके बीच में है, पूर्णिमा सिंह भी आपके बीच में है। अरे 22-23 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, अनमैरिड, कहते ना यार कॉलेज पास आउट करने के बाद आदमी को देखना चाहिए कि आज इतने चेक यहाँ लेने लग रहे हैं। ये लोग कहते सर वेस्ट चीज क्यों करूं मैं बताऊंगा वेस्ट चीज क्यों करनी है, आपने कैसे कैसे करनी है, क्या करना है। अरे यार ऐसे ऐसे लोगों का चेक आ रहा है सर, चेक एक एक आदमी के पास MBA 13,51,000। देखिए आप सरोज पानीगिरी, आप कहते हैं सर आप ऐसे लोगों के साथ जब बिजनेस करोगे तो समझ में आएगा, भले इनको 12-13 साल हो गए हैं लेकिन वेस्ट चीज में आने के बाद लोगों ने लॉकडाउन के अंदर अपनी इनकम को ब्लास्ट कर दिया यार, इनकम को 4 चांद लगा दिए, जो पुरानी इनकम चल रही थी रेगुलर्स पे आ गए लोग, सिस्टम में आगे बढ़ गया। कुशाल सरवारे 10-12 महीने के अंदर लड़के ने 10-12 लाख का चेक कर दिया, एक छोटा सा बच्चा 23-24 साल की उम्र का लड़का, और आप यहाँ एक बढ़िया सा नेटवर्क बनाकर कितना बड़ा काम कर गया, बस मेहनत है। मैं देखो बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे है, बहुत सारी फाउंडेशन होती है, घर परिवार में दिक्कत होती है, लेकिन यार जो जेंट्स बैठे हैं मैं उनको एक बार कहना चाहूंगा, वे लोग जब 24-24 साल के बच्चे 10-10 महीने में 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं तो आपके पास तो इतना तजुर्बा है, आपके पास तो बहुत सारी ज्ञान की पोटली है यार, दिमाग इतना है, नॉलेज इतनी है, सब कुछ भंडार भरे पड़े हैं, फिर क्यों नहीं हो पा रहा? इसका मतलब भाई एक्शन में कमी है। घर बैठकर आराम से नींद लेकर कुछ नहीं होता है, आप जब आए हो यहाँ पे तो उठकर चलना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, ना सुननी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, टीम के लिए जीना पड़ेगा, टीम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी टीम की लिस्ट बनाइए कि आप सब लोगों को लीडर के साथ बैठिए, लीडर के साथ प्लानिंग कीजिए कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा या करूंगी, और आपका जब तक 1,00,000 रुपए महीने का चेक नहीं हो जाता, जब का ओडी मर्सिडीज BMW नहीं आती, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा होना चाहिए। अरे किसी एक आदमी का ठेका ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, कुछ लोगों ने ठेका ही नहीं ले रखा, कुछ लोग तो खाली आते हैं वाह वाह करते हैं ताली बजाते हैं, थैंक यू सो मच। राजीव जी ने ठेका लिया, 1,00,000 रुपए महीना आ गया, लोगों को लग्जरी कार दिला दी। एकता जी ने लिया, लग्जरी कार दिला दी। इंदु जी ने लिया, लग्जरी कार आ गई। मैं आपके सामने हूँ, तेजेंद्र आपके सामने है, राजपूत जी आपके सामने है, कितने लोगों का नाम मैं बताऊं आपको जो लोग आपके साथ हैं। भाई लेना पड़ेगा, कोई अपना एक आदमी को तो चुन लो, इसको दिलानी है, इसका 1,00,000 रुपए महीने की इनकम करानी है, कर सकते हो तो आज ये ठानो, नहीं तो अपने आप को चेक करो मैं हूं कहां पे, कहां गलती हो रही है, क्या कर रहे हैं। अंशु रावत जी, 1 महीने का चेक, 8 महीने पहले मेडिटेशन शुरू किया मैंने, उस समय उस टाइम पे 1,23,000 रुपए का चेक था, आज चेक पहुंच गया जी अंशु जी का चेक 4.5 लाख के आसपास। यह 7-8 महीने का सुबह का मॉर्निंग मेडिटेशन का कमाल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 से लेकर 5:40 का टाइम, राइट टाइम, इस टाइम पे कहते ना ये एलियंस आते हैं यार, दही देवताओं का वास होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम में बोला हुआ, सीखा हुआ, समझा हुआ, विजुलाइज किया हुआ, स्क्रिप्ट राइटिंग की हुई आपके काम नहीं आती है। आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने सिद्धत से कर लिया तो। कितने ऐसे फॉर्मूले हमने कई लगातार 8 महीने किए। सो आज अगर घर में रहकर लॉकडाउन में अगर पहुंच गए तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं कमी है, सिस्टम सही है लेकिन आपके सिस्टम में जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वहां कोई ना कोई कमी है। इसका मतलब चेक कीजिए अपने आप को कि आप कहां हो यार। एक औरत एक होते हुए, एक गवर्नमेंट टीचर होते हुए इतना बड़ा काम, साथ में सोमेश जी, सरिता जी, देखिए आप, 3,50,000 का चेक है लॉकडाउन में, ये इसी महीने का चेक है। एक हरियाणा पुलिस में जॉब करते हुए, लोग कहते हैं सर हाउसवाइफ है, टीचर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ये पुलिस वाले भी है, जॉब वाले भी है, स्टूडेंट भी है, 22 साल के बच्चे भी है, 70 साल के आदमी भी है, किसान आदमी तेजेंद्र जैसे भी है, पार्लर चलाने वाले भी, इंजीनियर भी है यहाँ पे, MBA भी यहाँ पे, अरे सब तरह के लोग हैं। जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं आज अपने आप को चेक कीजिए कि मैं कैश बिजनेस को कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हाउसवाइफ, लेडी, जेंट्स, गांव से, शहर से, अपाहिज हूं, अपंगू, ब्लाइंड हूं, अंधा हूं, कुछ भी है आप, लेकिन आप कस्टमर तो हैं, आप यूज तो करते हैं प्रोडक्ट, यूज करके करके लोग कहां से कहां पहुंच गए, सोचो आप भी पहुंच सकते हैं। देखिए कितने लोगों का, अरे 6,80,000 का चेक, 3,52,000 का चेक, 8 लाख का चेक, छोटे छोटे, राजू गुप्ता 5वीं पास आदमी यार, 4.25 लाख का चेक लॉकडाउन में दोबारा कर दिया, सोचो आप। लेकिन फॉलोवर एक ही बात यार, सबमिशन है, सर 5वीं पास हूं, नहीं पता कुछ भी है, सर ट्रिप पे जाऊंगा आपके साथ जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा आपके साथ रहूंगा, सर ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती ना कुछ आता, सर बताओ क्या करना है, कितने लोग आएंगे, कितनी मीटिंग में आएंगे, कितने लोग बैठेंगे, और आज राजू गुप्ता आज ओडी का मालिक बन गया, सोचो। मैंने कहा भाई औकात से ज्यादा नहीं मिलता, औकात बढ़ा ली इसने, अपलाइन के साथ रहा, सबमिशन किया, बात की माननी, सिस्टम में रहा, ठीक है, हर चीज को फॉलो करता चला गया, सर जैसा सीखा वैसा ही, सर किताब पढ़नी, बिल्कुल पढ़नी, पढ़ो जी, जितना आता उतना पढ़ो, लिस्ट बनाओ, ओके सर, मीटिंग में आओ, ओके सर, डन सर, माइंड सेट करो, ओके सर, सुबह 4 बजे आओ, ओके सर,
शाम को मीटिंग करो, ओके सर। होम मीटिंग करो, ओके सर। लीडरशिप मीटिंग करो, ओके सर। डीटीडब्ल्यू करो, ओके सर। ट्रेंड द ट्रेनर प्रोग्राम में आ जाओ, ओके सर। कभी भी नो सर। कुछ लोग जो कहते हैं ना, नो नेवर नी उनको ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। वो वही है, वो अपने आप को चेक कर लेंगे कि कौन कौन आदमी क्या करता है। किशन सोलंकी 257,000, अब दिखाता हूं आपको ये क्या है जी। अब देखो जी, सुदर्शन मोहंती जी इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनका चेक कहां से कहां पहुंच गया। अरे 40 लाख से ज्यादा 3 महीने की इनकम थी। सोचो सुरभि सिंह, आज 1 महीने की इनकम 4 लाख के आसपास हो गई है। अरे वही सुरभि सिंह, उसका छोटा भाई गौरव, देखिए आज सुरभि सिंह के साथ साथ 4.5 लाख की इनकम पे ये भी पहुंच गया। अरे बच्ची है, अनमैरिड, अभी शादी नहीं हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद भी इतनी इनकम है, तो अपने आप को देखो कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। कई बार मुंह पे चाटा लगाने को दिल करता है, मैं पढ़ा तो बहुत हूं यार, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, लेकिन मेरा चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। क्योंकि समझदार है इसलिए हमारा चेक नहीं बढ़ रहा। तो कोई तो ऐसी चीज है जिसके लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। गोपी कश्यप जी आज नहीं है, मतलब उनका फोटो नहीं लगाया मैंने। गोपी कश्यप जी का हाँ थोड़ा सा वो हो गया था। आज पान बेचते बेचते गोपी जी का चेक तकरीबन 4.25 लाख से ज्यादा पहुंच गया जी। पीके उत्तम, एक आर्मी पर्सन आदमी 11 लाख रुपए कमाता है। कोई आर्मी वाला बैठा हो तो सोचना, एक बार देखना। सागर भामरी 14 लाख का चेक है जी। अरे मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार हमारे को दिखाई नहीं देता, घर से निकलेंगे नहीं, एक ही स्टेशन पर रहेंगे, कैसे बात बनेगी। बाहर तो जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लीडर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, इवेंट करने पड़ेंगे, छोटी बड़ी मीटिंग करनी पड़ेगी, सिस्टम में दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा वही लोग आएंगे, सिस्टम सब चलेगा। लेकिन भाई करना तो पड़ेगा, अगर सपने बड़े हैं तो। अगर ऐसे ही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कौन मना करता है। शिवम का चेक 11,19,000, रूबी सिद्दीकी का चाहिए 1 लाख से ऊपर। लेकिन करना क्या है भाई, ये सारी चीजें कभी दोबारा डिटेल में करूंगा, मोटा मोटी बात बता देता हूँ। बहुत सारी ट्रेनिंग है, शाम हो जाएगी कंसिस्टेंसी इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर समझ लो, ये हर बार मैं मीटिंग इवेंट करता हूँ, क्योंकि अभी करना क्या है, लास्ट रिलेशनशिप अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप के ऊपर बात करता हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ पे है, आप बैठे हो आज यहाँ, अपलाइन और डाउनलाइन, आप भी किसी की अपलाइन है, आप भी किसी की डाउनलाइन है। जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी टीम करती है, इस बात को समझ लेना। हर बार बोला जाता है, हर बार समझाया जाता है, हर बार बताया जाता है, ठीक है। दुनिया में कहीं भी आए हो आप, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है, ठीक है। आप कहते हो वो नहीं करती है, सुबह 5 बजे उठोगे आपकी टीम उठेगी, ठीक है। ऐसे अपलाइन बनना है, आप मीटिंग करोगे टीम मीटिंग करेगी, आप बाहर निकलोगे टीम बाहर निकलेगी, आप जूम मीटिंग करोगे टीम भी जूम मीटिंग करेगी, आप 1-to-1 मिलोगे टीम भी 1-to-1 मिलेगी। अपलाइन डाउनलाइन, रिश्ते संबंध रिलेशन, जैसे आप बोलोगे वैसे वो बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साथ, अगर आपका रियली कहते ना इस बिजनेस के अंदर कोई अपलाइन, कोई माँ बाप की तरह कोई गाइड करने वाला है, तो अपलाइन को जिंदगी में मत भूलिए भाई, ठीक है। थैंक यू बोलिए अपलाइन को, उसने बिजनेस दिया है, ठीक है, धन्यवाद। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, पैरों में पड़ के चरण पी लो, ठीक है, दो के पैर पी लो, मैं तो ये बोलता हूँ। क्यों कहता हूँ कि यार अगर वो नहीं होते तो कई बार हम क्या बोलते हैं, माँ बाप भी तो हैं, अपने माँ बाप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन माँ बाप के लिए यार जिंदगी में अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं करते, देते सब कुछ बढ़िया देते। लेकिन कुछ ऐसे नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वो माँ बाप की वही बात है ना, अरे छोड़ो यार, लेकिन वो बात ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। इसलिए भाई अपने अपलाइन को जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं है, थैंक यू बोलना है, दिल से बोलना है, और अच्छे से कि ऐसे अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता हमेशा अच्छा रखना है, समर्पण के साथ, सिस्टम के साथ, विजन, एक नए सिस्टम के साथ क्या क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग, ये कभी दोबारा करूंगा बात। बस आज आता हूं 4-5 मेन पॉइंट के ऊपर जिसके लिए मैंने आपसे बात करनी है अभी, और मैं आज इसलिए आया हूं। मैंने कहा मैं भी बाहर था, मेरे भी थोड़ा सा कई दिन से ऐसा ही हो रहा था तबियत भी, लेकिन फिर भी आज मीटिंग करनी थी, तो मैंने अपने बारे में ये था कि मैं अगर आज इतना पैसा कमा सकता हूं, यहां तक पहुंच सकता हूं, तो मेरे दोस्त आप भी पहुंच सकते हैं। बस एक छोटा सा डिसीजन आपने लेना है कि काम करने के लिए क्या करना है। मैंने बताया था 3 चीजें, उन 3 चीजों पर विश्वास है। तो सबसे पहले कि अपना नेटवर्क बनाना है, तो बाली सर की वीडियो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज से बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए इसके बारे में दोबारा कहना चाहूंगा। बड़ा नेटवर्क बिल्ड होगा, बड़ा पैसा आएगा, ठीक है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी टर्नओवर, जितना बड़ा टर्नओवर उतने बड़ा पीवी, जितना बड़ा पीवी उतनी बड़ी इनकम, इस बात को समझ लेना। हम करते क्या है, नेटवर्क बड़ा हो गया जी, ज्वाइनिंग करा दिया लोगों को, रिपर्चेज नहीं है, सामान खरीदते नहीं है, क्या फायदा उस नेटवर्क का। मेरे नेटवर्क में भी ऐसे तो 24 लाख लोगों का नेटवर्क हो गया है, क्या करूंगा 24-25 लाख लोगों का कि खाली ज्वाइनिंग करके छोड़ गए। नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क आपका वो है, वो बड़ा नेटवर्क होता है जो रेगुलर यूज है, रेगुलर यूजर है, लॉयल यूजर है,
अच्छे से आपके बिजनेस के अंदर आने के बाद लगातार परमानेंट प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, इवेंट में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, सुबह के सेशन में आते हैं, दोपहर में आते हैं, शाम को आते हैं, बाहर निकलते हैं, मीटिंग करते हैं, सिस्टम के साथ अटैच, अपलाइन के साथ अटैच है, स्कीम बताते हैं, एसएमएस करते हैं, फॉलो करते हैं, टीम में मैसेज करते हैं, बड़ा नेटवर्क तो तभी बनेगा। ऐसे बड़ा नेटवर्क नहीं बनेगा कि एक बार जूम की मीटिंग की आईडी भेज दी, बाहर निकले नहीं, स्टेशन डेवलप किए नहीं, फाइल फोल्डर लेके निकले नहीं, टूल अपने पास है नहीं, मीटिंग करना नहीं है, अपलाइन से मिलना नहीं है, डाउनलाइन के साथ बैठना नहीं है, सेंटर पे जाना नहीं है, ऑनलाइन सीखना नहीं है, परचेज करनी नहीं है, नई कोई प्रोडक्ट आता है उसके बारे में नॉलेज लेनी नहीं है, टीम के साथ काउंसलिंग गेट टुगेदर करना नहीं है, कुछ कैसे बनेगा नेटवर्क? नेटवर्क बड़ा बनाने के लिए तो आपको समझना पड़ेगा ना कि बड़ा होगा कैसे, अपलाइन से कैसे मीटिंग करनी है, डाउनलाइन से कैसे मीटिंग करनी है, कैसे काउंसलिंग करनी है, अब किसकी जरूरत है, क्लोजिंग पे कैसे काम करना है, पहले एक हफ्ते कहां फोकस करना है, 10 दिन में कहां फोकस करना है, 20 दिन में कहां फोकस करना है, लास्ट के 3 दिनों में कहां फोकस करना है, कहां पे मीटिंग करनी है, कहां मीटिंग नहीं करनी है, 5% वाले के साथ कैसे करना है, 8 वाले के साथ कैसे करना है, डायरेक्टर कैसे आएगा इस बार, कितना चेक तेरा बनेगा, अरे तमाम नेटवर्क बड़ा कैसे बनेगा इसके लिए तो समझना है ना आपको। इसके लिए पहला एनडीएस जो बाली सर करते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार, ये सीडी, ये ऑडियो वीडियो देखना मत भूलना यार, इसको पहले रट लो, घोट के पी लो, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए, और ये मीटिंग बार बार आपके अपलाइन करते रहते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाना है तभी बड़ा पैसा आएगा, आज ये गांठ बांध लो, बड़ा नेटवर्क से पैसा आता है, नेटवर्क बड़ा बनेगा कैसे ये आपको समझना पड़ेगा। आज सारी चीजें मैं नहीं बता पाता, लेकिन हाँ एक बात की जरूर कहूंगा, मैंने भी बड़ा नेटवर्क बनाया है, कैसे बनाया है, मैं एक जगह नहीं रुका मेरे दोस्त, मैं एक लीडर के ऊपर नहीं रुका, कोई आदमी अपने आप को ये सोचता था कि नहीं मेरे साथ ही लगा रहे, गलत फहमी है, आप भी एक लीडर के साथ कब तक रुके रहोगे, कब तक एक स्टेशन के ऊपर आप रुके रहोगे, आपको अगर बड़ा नेटवर्क करना है तो आपके अपने टाउन से उठकर जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, बड़ा नेटवर्क बनेगा तो शुरुआत में खर्चा मांगेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, टिकट भी लगेगी, खाना भी खाना पड़ेगा, ठीक है, होटल में भी रहना पड़ेगा, जैसे सिद्धार्थ सर बोलते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, सुदर्शन मोहंती के साथ काम करता था, रात को 11 बजे होटल में आता था, पूरे दिन मीटिंग दिखाते थे, सारा दिन देखते थे, करते थे, बड़ा नेटवर्क ऐसे नहीं बनता, 20 दिन घर से रहना पड़ता है बाहर, आज मैं आया हूं पिछले 15-20-25 दिनों में, लोग कहते हैं ऐसे ही हो गया होगा जी, लोग कहते रहते हैं, भाई काम तो करना पड़ेगा, नेटवर्क बड़ा ऐसे नहीं बनता, कुछ लोग अपने घर में ऐस मार रहे हैं, हाँ बढ़िया, तो ऐस घर मारिए जी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कौन मना कर रहा है, आराम से रहिए, ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, मां कसम ऐसे ही ऐसे मरवाएगा आपको जैसे आप घर में रह रहे हैं, लेकिन दिक्कत किल्लत पैसे की आ रही है, अब वो ऐसे ही करेगा कि ऊपर वाले ने देख लिया, जो घर में रहेगा तो भाई लक्ष्मी घर के अंदर कैसे आ जाएगी, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, बड़े बड़े लीडर्स को मिलने के लिए, बड़े बड़ा बिजनेस करने के लिए तो बाहर तो निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपना काम करना पड़ेगा, अपने लीडर्स नेक्स्ट आगे, अपने जैसे लीडर बनाना, कैसे बनेंगे, डुप्लीकेट कैसे तैयार होंगे, जब तक डुप्लीकेट करूंगा नहीं मैं, कुछ करके नहीं दिखाऊंगा तो मेरे को देख के तो लोग तैयार होंगे, मैं किताब पढ़ूंगा तो मेरी टीम किताब पढ़ेगी, मैं मीटिंग करूंगा तो मेरी टीम मीटिंग करेगी, मैं बाहर मीटिंग करने जाऊंगा तो मेरी टीम बाहर मीटिंग करने जाएगी, मैं 100 PV 2 तारीख को कर दूंगा तो मेरी टीम भी करना शुरू कर देगी, मैं जो काम करूंगा तभी तो होगा डुप्लीकेट, तभी तो होगा, मैं बोलना आता है तो मेरी टीम भी बोलना सीखेगी, मैं TTT प्रोग्राम करूंगा, मैं फाइल फोल्डर मीटिंग करूंगा, हेजिटेशन दूर होगा, खड़े होकर लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तभी तो मेरी टीम में लीडर तैयार होंगे, तभी तो मेरी टीम के अंदर लोग अपना कमिटमेंट करेंगे, लोगों के ड्रीम जगाओगे, अपने ड्रीम पूरे करोगे, लोगों को करके दिखाओगे, तभी तो लोग मानेंगे, आपका चेक आ रहा, आपकी इनकम आ रही है, तभी तो होगा। स्किल को डेवलप करना, स्किल और विल दो ही चीज होती है ना इस बिजनेस के अंदर, करना तो पड़ेगा तभी तो होगा। ये दूसरा की पॉइंट है सक्सेस के लिए, तीसरा कंसिस्टेंसी, ये तीसरी चीज है, फोकस कर दो मेरे दोस्त, फोकस बना दो। अगर आप रियली बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो ना, तो बिजनेस को लॉकिंग का सिस्टम जो है ना, बिजनेस लॉक करने का एक तरीका है, 2 तारीख पूरा फोकस कर दो, 2 तारीख पूरी टीम में, सारे ग्रुपों में, अलग अलग मीटिंग, होम मीटिंग कैसे भी कर, कंसिस्टेंसी पे फोकस करा दो आप, रात और दिन कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, 100 PV 60 PV 100 PV 60 PV 100 PV 60 PV 100 PV, जितने ज्यादा लोगों को यूजर बना दोगे, लॉयल यूजर बना दोगे, कंसिस्टेंसी में लोगों के साथ बैठिए, समझाइए, महीने में आप 20 का 30 का 50 का PV लेके आते हो, 100 PV के क्या फायदे हैं, 4 महीने के बाद क्या मिलने वाला है, कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, स्कीम क्या मिलेगी, एक आदमी 50 बार सेंटर में जाता है 100-100 रुपए का लेके आता है यार, फायदा क्या है, उसको समझाइए, उसको बताइए, उसके साथ बैठिए, उसको बेनिफिट दिखाइए, उसको एग्जाम्पल दिखाइए, उसको वाउचर दिखाइए और चीज बताइए, तभी तो कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करेगा। एक एक लीडर को टारगेट दीजिए, लीडर के साथ बैठिए, टारगेट का मतलब उसके साथ प्लानिंग कीजिए, उसको बताइए मैं तेरे साथ हूं,
अपने कोर लीडर्स को बुलाओ, जितने भी लोग आपके 20 30 50 पीवी करते हैं या सामान यूज करते हैं, उनको बेनिफिट बताएंगे, उनको दिखाएंगे, उनको जूम पे बुलाओ, वैसे बुलाओ, होम मीटिंग करो, गेट टुगेदर करो, चाय पानी पे बुलाओ, घर पे बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, फोकस करो कि पूरे महीने में सीएनसी पे सबसे ज्यादा फोकस होगा तो आपका बिजनेस 2 तारीख को 90% चढ़ जाएगा, ये होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, दूर के स्टेशन का नेटवर्क बनाना, कैसे बनाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन, जब तक आप नहीं जाओगे, मुंबई है, कोलकाता है, झारखंड है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, मद्रास है, राजस्थान है, दिल्ली है, कहीं भी है, मेरे डियर नियर दोनों बात बोलता हूं मैं, अगर नियर में ही रहोगे तो मेरे डियर पैसे नहीं कमाओगे, और मेरे डियर अगर नियर छोड़ दोगे, नजदीक छोड़ दोगे, मुंबई कलकत्ता हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस करना है, नजदीक में तो 20-30-50 हजार रुपए कमा सकते हो, आप 1 लाख पे पहुंच सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं, बुरा मत मानना, सबको कह रहा हूँ, 22 साल का तजुर्बा है मेरे को, और मैं देख रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ उन लोगों को जो नियर में ही रहते हैं ना नजदीक, वो लोग इतना ही कमाते हैं, इससे ज्यादा कमाएंगे भी नहीं, यहाँ देख लेना, लेकिन वो लोग हैं जिनको मैंने, उनका बिजनेस मैंने बाहर देखा है, आज वो लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, मैं उनको ट्रेन में, बस में, ओडी, मतलब सब गाड़ियों में आते जाते मैं देखता हूँ उनको, वो लोग आज पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आराम से कंफर्ट जोन में, उनको भाड़ में जाए वो संतुष्ट हो गए, ऐसे लोगों से आज ही मुंह मोड़ लो, छोड़ दो उनका साथ, जो आराम से घर में बैठे हैं और बोलते हैं देखो हम भी करते हैं बिजनेस, हम स्मार्ट वर्क करते हैं, ऐसे काम करना चाहिए, तो माई डियर स्मार्ट वर्क तो ठीक है, लाखों रुपए कमाने हैं तो शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, धीरू भाई अंबानी का बेटा आज भी काम करता है, आप ये भी देख लीजिए, आज बाली सर आज भी काम करते हैं, दीपक सर आज भी काम करते हैं, कन्वर सर आज भी काम करते हैं, सिद्धार्थ जी आज भी मीटिंग करते हैं, राजीव शर्मा जी आज भी मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपके सामने आज भी मीटिंग कर रहा हूं, आज भी बाहर हूं, आज भी मीटिंग करता हूं, 1-to-1 मिलता हूं, अगर बड़ा करना है, बाकी एवरेज तो दुनिया जिंदगी जीती है ना, आपका नाम और काम तभी तो आएगा जब करेंगे भाई, क्यों करना है यार, इसलिए देखिए क्या है ये वेस्टीज, वेस्टीज को क्यों करें, वेस्टीज को इसलिए करना है कि कल मैं रहूं या ना रहूं, क्या पता आपको गारंटी है कि कल आप रहेंगे या कल मैं रहूंगा या परसों आप नहीं रहेंगे या रहेंगे, किसको क्या पता कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा यार। अंशु रावत जी आज से कुछ टाइम पहले, संजय जी इस दुनिया से चले गए जी, संजय रावत जी हमारे बड़े पुराने मित्र, इतने अच्छे दोस्त, नहीं थे इस दुनिया में, नहीं रहे, आज 1 महीने की इनकम 4.5 लाख कमाती है जी, संजय जी ने बिजनेस शुरू किया था, वो देख गए हैं, आज थैंक यू बोलते हैं अंशु रावत जी संजय जी को, अगर नहीं होती वेस्टीज तो आज उनकी गुड़िया इतने बढ़िया स्कूल में वो एजुकेशन लेने लग रही है, कोचिंग लेने लग रही है, सोचिए आप कहां पढ़ा पाती 50-60-70 हजार की नौकरी में, वेस्टीज क्यों करना, अरे इसलिए वेस्टीज कर लीजिए, पता नहीं कल आपकी फोटो कहाँ, यहाँ से उठकर कहाँ ऊपर चली जाए, पता है किसी को यार, किसी को नहीं पता, फिर भी आप अपने आप को ये बोलते हो नहीं नहीं मेरे को तो पता है, मैं ठीक हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अरे भाई लाइफ में कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, इस कोरोना ने सबको समझा दिया, एयरलाइंस इंडस्ट्री बर्बाद होगी, होटल इंडस्ट्री खत्म होगी, ट्रैवल इंडस्ट्री खत्म होगी, बहुत सारी नौकरियां छूट गई, स्कूल वाले छोड़ गए, बहुत सारे लोगों की स्कूल की एजुकेशन भी चले गए ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या हो गया, और डायरेक्ट शेयरिंग एक सिस्टम था जो समझ में आया लोगों को, सुदर्शन मोदी जी चले गए, उनकी वाइफ को देखो जी आज, अरे 14-15 लाख रुपए महीना आता है, सोचो 3 साल पहले गए थे, इसलिए वेस्टीज करना है, आज देखो आप, उसके बाद ये देखिए, अरे आप देखते देखते आपके साथ कितने ऐसे, प्रमोद शर्मा जी आए बरेली से जी, चले गए जोड़ी अचीवर है, आज 5 लाख रुपए महीना इनकी मैडम कमाती है, हर महीने आते हैं जी, अरे नहीं पता कब किसके साथ क्या हो, इसलिए वेस्टीज कर लीजिए, इसलिए समझ लीजिए, आपको गारंटी है क्या, आपका पत्र चिट्ठा भरवा के लाएंगे पूरी जिंदगी यहीं पर रहेंगे, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो रहा है, अरे जो बन रहा है वो तो बनाई, किसी की लाइफ में चेंज करिए यार, अपने आप को देखिए, आप ऐस मारने के लिए आए हैं या आराम से बैठने के लिए आएंगे, नहीं नहीं मेरे को यार ठीक है मैं तो ठीक ठाक हूँ बढ़िया हूँ आराम से कर, नो यार आज के बाद कमिटमेंट कर लो अपने अंदर, आग लगा लो, कुछ भी करना पड़े यार आज से ठान लिया है, करेंगे तो बड़ा करके दिखाएंगे, अरे भाई छोड़ दो यार, नहीं कर रहा तो छोड़ जाओ यार, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 20-30-50 हजार रुपए के लिए दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, जिसको ज्वाइनिंग करा है उसको एक बात बोलो कमिटमेंट के साथ, साथ मैं तेरे साथ हूँ, और नहीं तो ऐसे लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं आप छोड़ दो उस लाइन को, जो आदमी घर पे बैठा है जो करना नहीं चाहता उसको नमस्ते बोल दो, भैया नमस्ते मैं नहीं करूंगा तेरे साथ, उसके और ऊपर अपलाइन से बात कर लो, क्योंकि वो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा जिंदगी में, ना बढ़ने देगा, उसका टारगेट एक ही रहेगा कि तू यहीं रुक, ये आगे बढ़ गए तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई आज अपने आप में कमर कस लो, आग लगा लो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा लेकिन करके छोड़ूंगा, ये 2020 खत्म होने तक मैं चेक का साइज अपना जो चेक था उसका 3 गुना या डबल मैं चेक करके रहूंगा, ये होना चाहिए कमिटमेंट, ये होनी चाहिए आग, तब लोग करते हैं। अब आप आते हो यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस को करने लग रहे हैं, कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर छोड़कर चले गए, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ बड़ा करूंगा करके दिखाऊंगा, मैंने कहा ठीक है ओके डन मामला बढ़िया, लेकिन कुछ लोग तो इस बिजनेस को करने के लिए इतने सीरियस हैं कि पूछो ना, और कुछ लोगों को तो ये नहीं पता कि बिजनेस होता क्या है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं
संजय जी जब मेरे से पूछते हैं यार आप रात और दिन भागते हो ऐसा कारण क्या है, मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, क्या कारण है रात दिन भागने का आपका, क्यों भागते हो आप रात दिन, क्या चीजें हुई है रात दिन जाते जाते, ये हर बार स्लाइड दिखाता हूं मैं हर बार ताकि लोगों को, एकता जी आ रही है स्लाइड दिख रही है, बिल्कुल सर दिख रही है। लोग कहते हैं जी राज मोहम्मद जी पेट्रोल पंप के ऊपर मैनेजर के काम करते थे, नौकरी करते थे, राजपूत जी आपके सामने दिखाई दे रहे जी, देखिए आप 70 साल की उम्र, सुभाष झांडा, रिजवान खान, मोहिन खान, 8 लाख की इनकम, ये सारे कोई एडवोकेट है, कोई यहाँ पे प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई चाय वाला, कोई दूध वाला, कोई टैक्सी ड्राइवर है, मनोज जैसा आदमी, 5वीं 7वीं 5 आदमी, 5-6 बेटियों का बाप, तेजेंद्र राणा, कितने लोग हैं साथ में, राजू गुप्ता, राकेश जी साथ में, सोमेश जी साथ में, अपने क्या बोलते हैं इंदु मैम, अपने सुरभि मैम साथ में, ये छोटे छोटे बच्चे, आप लोग सब इनको देखने लग रहे हो, हर रोज देखते हो आप इनको, इनकी कहानी हर रोज पढ़ते हो आप, हर रोज सुनते हो उनके बारे में, सबके बारे में बताया जाता है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी कहानी, ये एलडीपी का भी ट्रेनिंग करता हूँ जो बताता हूँ, सब तरह के लोग कामयाब, लेकिन भाई लोग घर से निकले हैं, इन्होंने करके दिखाया है, इनकी लाइफ में कहते ना खालिस्तान नहीं था, जिंदगी में खालिस्तान था तो इन्होंने भरना था, कुछ करना था, रिक्स्तान था जिंदगी में, बड़ा करना है, और इसलिए बड़ा करते करते कहां से कहां पहुंच गए, आप और हम यहाँ पे बैठे हैं, एक चीज समझते हैं जिंदगी में बड़ा करना है तो आज ये ठानना पड़ेगा, गांठ बांधनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़े बट करना है। और दोस्त मैंने कहा ना कि अभी 75 लाख रुपए की मर्सिडीज परचेज कर रहा हूं, भाई साहब मेरा टारगेट है जब तक 7 गाड़ियां घर के सामने खड़ी ना होगी अलग अलग कलर की, जब तक चैन से बैठना नहीं, मरूंगा भी नहीं, 125 साल जीऊंगा, ठीक है ये भी ध्यान कर लो, यमराज भी आ जाए ना कि चल एक बार, तो यमराज आएगा ना तब भी लोगों को बता दूंगा, यमराज, यमराज जी 125 साल जीना है, रिपट लो, निकल लो यहाँ से, उसके बाद ले चलना, ठीक है इसके बाद करेंगे जी, क्यों, क्योंकि पहले टारगेट है, आपके ही अपलाइन है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, राजीव जी के डाउन में है, राजीव उनको जानते होगा आप, शिवराज जी को, 1 महीने का चेक देखिए इनका, जब शुरुआत की थी वेस्टीज के अंदर, मार्च 2018 चेक का साइज 20,000, मार्च 2019 चेक का साइज कितना है, 5 लाख, सोचो आप एक आदमी 1 साल में 5 लाख पे पहुंच गया, मैं 1 साल में 1 लाख के ऊपर पहुंचा था, आज एक आदमी 10 महीने में 10 लाख रुपए महीने पर पहुंच गया, कुशाल शर्मा, हेलो, सोचने की बात है, पहले मेरा आज में कितना फर्क हो गया, कितने प्रोडक्ट है, हाईवे तैयार है माय डियर, आज कोई आदमी ज्वाइनिंग करेगा आज इसी महीने चेक 10 लाख का चेक, लोग कहेंगे कमाल है 10 लाख, बिल्कुल होगा सर, कभी आप ये सोच रहे हो, और सुनिए आज के 5 साल के बाद 1 महीने का चेक 1-1 करोड़ भी होगा, जिस दिन लोग ज्वाइनिंग करेंगे ना उस दिन भी आएगा, जिस दिन प्रोडक्ट होंगे, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मेरे को तो दे रहा है, मेरे को तो सबस दिखाई दे रहा है, जब 100 रुपए का चेक 1 महीने का आ सकता है तो 1 महीने का चेक 1 लाख का भी आ सकता है, और 1 महीने का चेक 5 लाख का भी आ सकता है, और 1 महीने का चेक 10 लाख का भी आ सकता है, तो 1 करोड़ का भी क्यों नहीं आ सकता, 1 करोड़ का भी आएगा, टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, बदल लो अपने आप को, एजुकेशन सिस्टम के साथ, अपलाइन के साथ, जब तक कनेक्ट नहीं होते हैं, जब तक सबमिशन में नहीं होता ऊपर वाला भी देख रहा है, भाई मैंने भी ऐसे काम किया था, ये मेरा पुराना स्कूटर था यार, छोटे से मैंने शुरुआत करी थी, और आज ओडी भी है, मर्सिडीज भी, जगवार भी है, मर्सिडीज भी आई गई आपके सामने, बस ये लगा लो, ठीक है, तो ये सारी चीजें, अरे 4,500-5,000 रुपए स्कूटर से शुरुआत कर आज आपके बीच में हूँ, और भी लोग यहाँ पे आते हैं, कितने ऐसी मीटिंग और इवेंट होते हैं, 8 महीनों के लगातार जो मीटिंग करते करते ये इस कोरोना के चक्कर में, कभी भी वो नहीं यार, बहुत सारे इवेंट, एक इवेंट लेता हूँ 4 इवेंट देने पड़ते हैं, रात और दिन बिजी रहता हूँ, बहुत सारी मीटिंग इवेंट, इतने लाइन 27 लाइन ओपन कर दी माई डियर, 27 लाइन ओपन कर दी, और लगातार लग रहा हूं, और ऐसा धमाका लोग देखते रह जाएंगे, बुरा मत मानना, ऐसा धमाका, राजीव सर बोलते ना धमाका, लोग कहेंगे सर वाकई में देखा है, ऐसा धमाका कर रहा हूं, लोग देखेंगे यार हुआ क्या है, सर इतने फॉरेन ट्रिप हुए, इतने सारी चीजें है, ये सब कुछ हो पाया है, वैसी अगर नहीं होता ये सारी चीज तो आज आपके बीच में कहां हो पाते, मेरा जब ISI दिखा रहा हूं 7 साल का, मैं ये दिखा रहा था 16 लाख का चेक, 16.5 लाख का पहला 85 रुपए का था, ये मार्च का चेक था, ये मार्च, ये भी कोरोना का चक्कर आ गया ना, चेक 25 लाख का था, यहाँ पे चेक यहाँ 15 लाख की बजाय 25 लाख का चेक होता, लोग कहते सर कैसे कैसे हुआ जी, जब ये सारे हो सकते हो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन एक काम, मैंने भी टारगेट, नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है, अगर मैं इसको बार बार विजुलाइज करता हूं, ठीक है, बैठे आराम से फील किया, महसूस किया, अब आपको क्या करना, अगर आप चाहते हो ना ये, और दोस्त कुछ लोग तो इसको ऐसे समझ रहे होंगे, माँ कसम ये जिस दिन अभी जल्दी इतनी जल्दी कि आप सोच भी नहीं सकते, जिस दिन ये अभी आने वाला है ना, उस दिन लोग कहेंगे ना, मेरी राजीव जी से और लोगों से बात होती रहती है, जिस दिन कहेंगे उस दिन दीपक सर के साथ बैठा जब प्लान कर रहा था कि यार कोई आदमी चोपर के बारे में भी सोच सकता है, 10 करोड़ रुपए की लागत और ये पैसा इतना आएगा, मैं कह रहा हूं इस साल माँ कसम ये साल जो अभी है ना 2021, ये खत्म होने से पहले 50 लाख का चेक करना है,
और ये तैयारी कर दी है कुछ भी हो जाए। और इसी साल अभी कहते ना एक टारगेट और बना दिया, तकरीबन आज 22-23 गाड़ियां है लग्जरी कार और सबके नाम लिख दिए, सबकी प्लानिंग कर दी है। मां कसम ला के छोड़ूंगा, ऐसा टारगेट है, ये करना है, जो ठान लेता हूँ वो करता हूँ। और ऐसे ऐसे लोगों को जिन लोगों ने सोचा नहीं होगा, उम्मीद नहीं होगी यार, कहाँ कहाँ से निकल के लोग आगे। बस आपके साथ एक चीज है कि आप अपने इरादे फौलाद से भी पक्का रखिए, जो आप करते हो आप ठान लीजिए, बस आपको करने के लिए कोई भी काम आप करते हो लोग जो आते हैं आपके साथ, लोगों के लिए आप सबमिशन के साथ, दिल के साथ, रिश्तों के साथ, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, फिर देखिए आप रिजल्ट। आपको कोई नहीं रोक सकता यार कामयाब होने से, बस आप एक लगातार 5 साल का कमिटमेंट कर दीजिए कि 5 साल वेस्ट इज को दिल से करना है। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क 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 वर्क, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनकम इनकम आएगी सर। और ये सारी चीजें, और लास्ट में एक आपको मूवी दिखाता हूं मैं, एक सॉरी क्या बोलते हैं कि छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। अगर आप चाहते हो कि भाई इस बिजनेस को करने के लिए तो बहुत बड़ा काम नहीं करना है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें करनी होती है। नेटवर्क को बड़ा करना है तो बस एक चीज समझ लीजिए, आज मैंने वो कराना था, आज एक कार्ड जरूर ले लीजिए आप। क्या लेना है, एक प्लेन कार्ड लेना या विजिटिंग कार्ड लेना या कोई भी चीज, उसको अगले कम से कम 30 दिन के लिए अपनी पॉकेट में रखना आपने, मामूली कम से कम मिनिमम 30 दिन के लिए एक कार्ड लीजिए। कार्ड के ऊपर अपना लिखिए, अपना टारगेट, अपनी विश लिखिए, जो इस महीने का सबसे पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है उसको लिखिए, ठीक है। उस पर आपको क्या चाहिए, आपको 1 लाख का चेक चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, जो भी चाहिए आपको उस कार्ड पे लिख दीजिए, उस विजिटिंग कार्ड पे लिख दीजिए, जेब में रखिए। दिन में कम से कम दिन में 12 बार उसको आपने निकालना है, 12 बार उसको देखना है, और 1 मिनट में कम से कम 55 बार उसको बार बार बोलना है, उसको बार बार 55 बार 1 मिनट के लिए तो उसको देखिए, 1 मिनट के लिए तो उसके साथ रहिए, अपने ड्रीम के साथ रहिए। कम से कम 12 घंटे में 12 बार तो उसको 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ये 1 महीने कर लो आप। मैंने तो अब सुबह वाली मेडिटेशन में कुछ और भी कराया था, लेकिन आपको बोल रहा हूं मैं 1 महीने कर लो आप। उस कार्ड को अपनी जेब से ओझल मत होने दो, पॉकेट में रखो, गुम मत कर देना, खो मत देना। आपका ड्रीम है वो, आपकी पहली प्राथमिकता है वो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी। खो जाएगा, गुम हो जाएगा तो ड्रीम गुम हो गया, ये लगा लो। आपको दिल से लगा के रखना है, बार बार याद करना है, बार बार देखना है उसको, बार 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 बोलोगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी पिक्चर। और सुबह का याद किया हुआ और पूरे दिन में बोला हुआ, कहते ना शब्दों में बहुत बड़ी पावर होती है, बार बार बोलोगे ये आपके साथ होगा, सारी चीज आपके साथ है। आज मैं आपको लास्ट एक बात और कहना चाहूंगा, आज जितने भी लोग आपके बीच में हैं और लोग भी आए, मैंने एक बात देखी है, इस बिजनेस को करने के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं करना होता, बस जो बोला था कि विश्वास करना है, अपलाइन की गाइडलाइन में चलना है, अपलाइन जैसे बोले वैसे काम करना है। मैं अभी 10-12 दिन से बाहर था, लेकिन बस वही था कि जो अपलाइन बोल रहा है उस अपलाइन के साथ सबमिशन में। मैंने कई दिन से अपना मेडिटेशन 3-4-5-6 दिन से बंद कर रखा था, क्योंकि मेरे को भी चाहिए था, मैंने भी करना था, मेरे को भी अपना करना था, मेरे को भी अपने लिए थोड़ी और माइंड सेट करना था। सो सारे लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं हर बार लोगों को देखता रहता हूँ, यहाँ कितने दिनों से लगातार लोग आने लग रहे हैं। मैं एकता जी को देख रहा हूँ लगातार मेडिटेशन करते हुए, बजरंग जी को लगातार मैं देख रहा हूँ करते हुए, और मैं सुरेंद्र जी को देख रहा हूँ, इंदु मैडम को देख रहा हूँ, तेजेंद्र को, अंशु को, रावत जी को, कितने लोग हैं जो लगातार यहाँ पे आते रहते हैं, रेगुलर करने लग रहे हैं। बट माइंड सेट हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप किसके लिए आ रहे हैं? मेरे लिए? हैंड रेस कीजिए प्लीज, एक बार। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, यस बिल्कुल डन, अपने लिए आ रहा हूँ, अपनी प्रोग्रेस के लिए आ रहा हूँ, अपना डेवलपमेंट के लिए आ रहा हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को सिखाना, अपने आप से बात करनी है, अपने आप से सीखना, अपना चेक बढ़ाना, इनकम बढ़ानी, लग्जरी लाइफ जीनी है, बच्चों की जिंदगी जीनी है, बढ़िया घर में रहना है, ऐसो आराम वाली जिंदगी जीनी है, ब्रांडेड पहनना है, ब्रांडेड करना है, सब कुछ करना है, ब्रांडेड करना है। इसलिए अपने लिए कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। तो इसमें किस लिए समझौता है और किस लिए बाबा? दूसरी बात, क्यों, वाई, किंतु, परंतु, नो, मैं, कल, आज, उठूं ना उठूं, जाऊं ना जाऊं, मीटिंग करूं ना करूं, क्यों भाई, किसके लिए? अगर आप भी अपने बच्चों को लाइफ बढ़िया नहीं देना चाहते, कर्जे में रहना चाहते हो, तो कर्जे में रहिए, कोई मना नहीं करता आपको। आप चाहते हो कि सर मेरे को बड़ा करना है जिंदगी में, अरे ये रेस आपकी है, किसी और की रेस नहीं है, ये रेस तो आपको दौड़नी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा, सीखना तो आपको पड़ेगा, चलना तो आपको पड़ेगा, समझना तो आपको पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ आएंगे। इस बात को समझ लो, गांठ बांध लो आज, जिंदगी में कुछ भी करना है, सक्सेस होना है, तो आज यार ठानना पड़ेगा। ये संजय यादव के करने से कुछ नहीं होगा, राजीव शर्मा के करने से कुछ नहीं होगा, ये तो तेरे को करना पड़ेगा, और आज तने करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ आएंगे। नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपकी टीम जब आपसे आगे निकलेगी, उस समय आप कहोगे सर वाह कमाल, सर मैंने सोचा नहीं जिंदगी में। तो भाई डियर आज ये ठान लो, ये रेस आपकी है और ये आपको लड़ना है, ये आपको करना है, कोई करे या ना करे, सीखना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, मीटिंग तो करनी पड़ेगी, बाहर तो निकलना पड़ेगा, पैसा तो खर्चा होगा,
जब बाहर फील्ड में जाओगे तो ना तो लोगों की सुननी पड़ेगी। लीडर ऐसे नहीं आते, लीडर ऐसे नहीं बनते। सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठने की आदत डालो, 5:30 बजे तो हर आम आदमी उठ सकता है, मैं भी उठ सकता हूँ जी। बीबी शर्मा जी यहाँ पे शायद होंगे नहीं होंगे, बैठे होंगे। अरे जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले 60 साल की उम्र से ज्यादा आदमी भी 3:30 बजे उठ जाते हैं मीटिंग के लिए, 4:30 बजे उठ जाते हैं जी, 5:30 बजे उठ जाते हैं। मैंने उनको देखा, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एक आदमी कहता है मैं नहीं उठ सकता जी। क्यों नहीं उठ सकता? आदत नहीं बदल सकता अपने आप को। तेरी आदत तो 4 दिन में बदलवा दूं, मेरी गारंटी है। 1 हफ्ते में आदत बदलवा दूं, 1 हफ्ते में मैं लिख कर दे सकता हूँ। 1 हफ्ते में तेरी आदत ना बदल जाए, जितने भी लोग बैठे हैं मेरी माँ कसम आप ही कहोगे आदत बदल जाए, मैं आपको स्टाम्प पेपर लिख कर दे सकता हूँ। 1 हफ्ते में आदत है। आप ही कहोगे 4 बजे, आप तो माई डियर 2 बजे उठोगे। आप कहोगे 2 बजे, हाँ बिल्कुल, आप तो 2 बजे ऐसे उठोगे कि सर आप कहते हो सर मेरी शराब नहीं छूटती। अरे तेरी शराब तो मैं 2 दिन में छुड़वा दूं। तू कहता सर मेरे से सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता। 4 बजे? मैं तो आपको 4 दिन लगाऊंगा 4 बजे उठते समय। और तू तो 4 बजे नहीं, तू तो 2:30 बजे उठेगा रात को। तू तो कहेगा कैसे, तो मैं वो बताऊं। कितने लोग सुनने को तैयार है? हाँ सर बिल्कुल, सारे सुनने को तैयार है। कुछ लोग छोड़कर भाग जाएंगे अगर सुनने के नाम के ऊपर, तो ऐसा ही होता है कई बार। सो भाई आदत तो 1 हफ्ते में बदली जा सकती है, जब तक आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट ना देना, जब तक आदत नहीं बदली जाती। आदत बदलनी है तो भाई आज अपने आप को खुद चेंज कर लो, ठान लो आज कुछ भी करना पड़े। एक मीटिंग कर रहा हूं अभी, जल्दी करेंगे हम और राजीव सर मिलकर, उस मीटिंग में करेंगे, प्रैक्टिकल डेमो के साथ करेंगे, फिर देखेंगे आप कि आदत तो सर 1 हफ्ते का कमाल है। 21 दिन नहीं लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में जो चाहेंगे वही कर देंगे, वैसा ही होगा। तो ऐसे ही करना अपने आप को। लेकिन ये जिंदगी की रेस आपकी रेस है। लास्ट 1 मिनट के लिए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बस आज ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस हमने करना है, हम करेंगे। कोई अपलाइन का बिजनेस नहीं है, कोई डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, कोई क्रॉस लाइन का बिजनेस नहीं है, कोई फैमिली का। फैमिली आपके साथ है, सक्सेस आपके साथ है, सब आपके साथ है। लेकिन चलना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई। ओले झोले, ऊपर नीचे, टेंशन, बहुत सारे लोगों को दिक्कत परेशानी, ना सुनना, हाँ करना, ये वो, ये सब सुनना और झेलना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए सुन लो, झेल लो, दुनिया आने वाले समय में आपका नाम का डंका बजाएगी और ऐसी तरह के सेमिनार आपके कराएगी। ये बात, कितने लोग तैयार है कि सर मेरे भी सेमिनार ऐसे होने चाहिए? मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मैं करके दिखाऊंगा। ये हैंड रेस कीजिए एक बार सारे लोग। सारे लोगों को कह रहा हूं मां, मेरे को ओके ठीक है। तो सारे लोग रेडी है ना कि सर बिजनेस मेरा है, ये रेस मेरी है, ये जिंदगी मेरी है और ये रेस मैं लड़ूंगा और मैं ये जीतूंगा ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करूं मैं, और मेरे को करना है। तो क्या आप इस रेस को लड़ने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है? तो बस आज ठान लो कि आज के बाद कमिटमेंट अपना है, हम करेंगे जी। मिल्खा सिंह की कितने लोगों ने मूवी देखी, मिल्खा सिंह हाउस, मिल्खा सिंह की देखी होगी ना। मिल्खा सिंह की रेस वो मिल्खा सिंह लड़ता है, कोई और नहीं लड़ता, उसका कोच नहीं लड़ता, उसकी डाउनलाइन नहीं लड़ती, डाउनलाइन नहीं दौड़ती, वो खुद दौड़ना होता है। उसकी एनर्जी उसके काम आती है, उसका विजुअलाइजेशन उसके काम आता है, उसका अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस उसके काम आती है। करना उसको था, दौड़ना उसको था। जीतने के बाद सारी दुनिया साथ होती है, फैमिली, परिवार, अपलाइन, डाउनलाइन, देश, सब देश साथ हो गए थे, सारे लोग साथ हो गए थे। लेकिन जब तक नहीं जीतता ना, जब तक लोगों के चेहरे पे कैसा होता है आपको पता है। जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन आपको पता लगेगा। इसलिए आज ये कमिटमेंट कर लो, ठान लो कि कुछ भी करना पड़े लेकिन आज जीतना है। और ऐसी आपको रेस आज मैं दिखा रहा हूं मिल्खा सिंह की, ये रेस, ये सोच लेना ये मिल्खा सिंह की रेस नहीं है, हमारी रेस है, ये रेस मेरी है। और जब ये रेस जीतोगे ना, तब सोचना कि आपके साथ क्या होगा। सो एक बार मैं आपके साथ कर रहा हूं मिल्खा सिंह वाली रेस, और इसको देख रहा